कौन शुरू करेंगे पढ़ना? मैं पढ़ लेता हूँ भैया। ठीक है भैया, ठीक है। अध्याय चार, मानव सहज प्रयोजन। विश्राम के लिए ही इस पृथ्वी पर मानव अपने महत्व को जानने पहचानने के प्रयास एवं प्रयोग में व्यस्त है। एक में एक से अधिक मानव एकत्र या संगठित होने के को परिवार, समुदाय व अखंड समाज संज्ञा है। जागृत मानव परंपरा में सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक अखंड समाज प्रमाणित होता है। संगठन के लिए कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता आवश्यक है। इसके निर्वाह के लिए कार्यक्रम साम्यता भी आवश्यक है। अकेले में मानव के जीवन में कोई कार्यक्रम, व्यवहार एवं उत्पादन सिद्ध नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मानव अधिकतम विकसित इकाई है। इससे विकसित इकाई इस पृथ्वी पर परिलक्षित नहीं है। मानव इसीलिए विकसित इकाई सिद्ध होता है क्योंकि पहला, वह मानवेतर सृष्टि के उपयोग, सदुपयोग, शोषण एवं पोषण में समक्ष है। दूसरा, मानव तथा मानवेतर तीनों सृष्टि में पाए जाने वाले गुण, संभाव एवं धर्म का ज्ञाता मानव ही है। तीसरा, मानवेतर सृष्टि में न पाए जाने वाले संभाव, व्यवहार एवं अनुभूति को मानव में पाया जाता है। सामाजिकता, ठीक है महेश भाई, रुक जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगला वाला ना फिर थोड़ा लंबा है, तो एक बार इसकी हल्की सी बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल फ्रेंडली वे में मेरा कई बार ऐसा ऑब्जर्वेशन जाता है कि कुछ साथियों को और महेश जी को भी खास तौर पर ये काफी कठिन सी लगती होगी हिंदी। म्यूट हो गए आप भैया। ओ, ये समझने में भी थोड़ा सा इसमें परेशानी आ रही है। परेशानी आ रही है तो मुझे लगा कि मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर दूं इसको, कि मतलब कहीं पे भी ना किसी भी तरीके से डिस्करेज ना हो इससे, और कहीं पे ऐसा ना लगे कि पहाड़ बहुत ऊंचा आ गया है और अब तो मतलब से कहते हैं कि मुश्किल होने वाली है। मुश्किल जो भी थोड़ी बहुत होगी वो मिलजुल कर तय हो जाएगी, लेकिन मजा खूब आने वाला है। इस चीज को जो है ना वो ध्यान में रखा जाए, क्योंकि बातें जो है वो गहरी हैं और उन गहरी बातों को रखने के लिए देखिए बाबा जी ने भी अपने तरीके से जिस भाषा को उनको उचित लगा उसी उस भाषा में उन्होंने रखा इसको। कई बार हमारे साथी भी बात करते हैं कि भैया काफी सारी जो हमारी हिंदू परंपरा में पुरानी चीजें हैं वो संस्कृत में लिखी गई हैं, तो ये वाला हिंदी में लिखा गया ऐसा सुन के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब इसको पढ़ने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा जी की हिंदी जो है वो संस्कृत की भी डैडी निकली। ऐसा ऐसा जो है हमारे कुछ साथी मजाक मजाक में कहते हैं कि ये हिंदी होने से कुछ फायदा नहीं हुआ भैया, इट इज एज गुड एज संस्कृत और जर्मन और फ्रेंच। लेकिन जी हाँ, कल कल एक्चुअली में यही हम सेशन के बाद में यही बात कर रहे थे, तो मैं यही कह रहा था गुरलीन को, मेरे को ये समझ ही नहीं आया विकल्प। अच्छा, तो मतलब जो भी था, दो अच्छा। मेरा बहुत इंटरेस्ट एरिया था वो, जो भी उसमें बातचीत थी, मगर वो कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि मतलब आप भैया से पूछ सकते। मैंने कहा पहली बात है कि अगर मूवी देख ली और मूवी अगर जिब्रिश है तो उसके बाद में उसके डिस्कशन का मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि जब समझ ही नहीं आई तो वो मेरे लिए थोड़ी सी एलियन
लग रही थी मेरे को। हाँ कोई बात नहीं। तो एक तो यह है कि ये सारी की सारी पुस्तकें पूरा वांग्मय या लिटरेचर जिसको हम कह रहे हैं, ये एक बार पढ़ने से तो किसी को भी समझ नहीं आया, जिनकी हिंदी अच्छी थी उनको भी नहीं समझ में आया, तो हिंदी अच्छी नहीं थी उसको एक हर्डल के रूप में ना देखा जाए। हमारे काफी साथियों का कहना है कि ये सारी पुस्तकें जो है ये दर्जनों बार पढ़ने वाली जो पुस्तकें हैं, और मैं पर्सनली भी इस चीज को पूरी तरह से एग्री करता हूँ। मैं भी सारी पुस्तकें, मतलब कोई पुस्तक 2 बार, कोई 6 बार, कोई 10 बार, है ना, कब, और हमेशा ऐसा नहीं है कि पूरी ही पढ़ी जाए, कभी उठा के 10 पेज पढ़े, 20 पेज पढ़े, ऐसा करके ये बार बार पढ़ने वाली हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमारे कुछ साउथ इंडिया के साथी हैं, उन्होंने तो स्पेसिफिकली हिंदी भी सीखी इसको पढ़ने के लिए। अरे श्रीराम भैया वगैरह हैं उधर से, बिल्कुल साउथ इंडिया से हैं, उन्होंने बाबा जी के साथ में इवन लंबा अंकित समय भैया ने भी बिताया। काफी मेरे ख्याल से इसके लिए एफर्ट किया। हाँ, तो उन्होंने उन्होंने दर्शन को समझने से के लिए साथ साथ हिंदी भी समझी। तो हमारे साथ में एटलीस्ट एक नेचुरल एडवांटेज ये है कि हमें हिंदी, बोलचाल वाली हिंदी तो सबको पहले से ही आती थी, थोड़ा बहुत भी जो हमने स्कूल में पढ़ा भी था, तो मतलब वी हैव ए गुड हेड स्टार्ट, ऐसे करके देखकर चलें, और हमें चीज समझ में आएगी, जिंदगी से जुड़ी हुई लगेगी, तो हम भाषा भी सहज शायद यूज कर पाएंगे, और जितनी गहराई में ये वाले शब्द समझने होंगे उतनी गहराई तक हम अपनी हिंदी भी अपने आप सुधर भी जाएगी। तो इससे मतलब किसी भी तरीके से डिस्करेज ना महसूस करें, ये मुझे लगता है कि इस चीज को ध्यान में रखा जाए। ये 3 अनुभूतियां पढ़ी हमने, तो ये जो है चैप्टर का नाम है मानव सहज प्रयोजन। सॉरी, तो अस्तित्व में जो है वो मानव का एक नेचुरल पर्पस क्या है ना, प्रयोजन क्या है, हमें अपना पर्पस डिस्कवर करना है, या पर्पस पहचानना है, पर्पस बनाना है, या पर्पस है ही, है ना, और वो क्या सबके लिए अलग अलग है या एक एक है, एक ही है, ये इस तरह की चीजों की तरफ जो है वो पूरे जीवन विद्या में मध्यस्थ दर्शन में ध्यान दिलाया जाता है। तो चैप्टर भी थोड़ा उस चीज को एड्रेस कर रहा है। तो पहली अनुभूति में जो है वो कह रहे हैं कि विश्राम के लिए ही इस पृथ्वी पर मानव अपने महत्व को जानने पहचानने के प्रयास एवं प्रयोग में व्यस्त है। तो मतलब अगेन काफी बिल्कुल शब्द के प्रेसिजन में ना जाए, लेकिन सिंपल भाषा में कहें तो ये अनुभूति ये कह रही है कि मानव का जितना भी प्रयास है वो विश्राम के लिए है। अब ये विश्राम जो है ये भौतिक वाला विश्राम नहीं है कि मेरे शरीर को सोने के लिए अच्छा एयर कंडीशन कमरा मिल जाए और आरामदायक बेड मिल जाए, इस विश्राम की बात नहीं कर रहे हैं। मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, तो यहाँ पर जो वो जीवन है ना वो विश्राम की स्थिति में रहे। जैसे हम लोग, हम नॉर्मल भाषा में अपने आसपास आजकल ये शब्द काफी सुनते ही हैं, और कई बार शायद खुद भी अपने में भी ऐसा देख पाते हो कि मैं काफी स्ट्रेस में हूँ, ऐसा यूज कर लेते हैं, सुनने में आता ही है ना कभी कभी कि मैं स्ट्रेस में हूँ। तो जब वो कहते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूं, तो वो स्ट्रेस में शरीर होता है या स्ट्रेस में जीवन होता है? तो वो जीवन ही है जो जो जी स्ट्रेस में होता है, शरीर तो आरामदायक स्थिति में ही रहता है, अच्छे हम उसको, है ना, मतलब जिस भी तरीके से आराम देने की कोशिश करते हैं वो सारी सुविधाएं हमने जुटा के रखी हैं, और जो लोग कह रहे होते हैं कि स्ट्रेस में है उनके पास भी वो सारी सुविधाएं होती हैं। सारी शरीर के लिए भौतिक सुविधाएं के होते हुए भी अगर मानव ये कहे कि मैं स्ट्रेस में हूं, तो बड़ा क्लियरली इंडिकेशन जाता है, इशारा जाता है कि वो स्ट्रेस जो है वो जीवन में स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस से ही मुक्ति पाना जो है ये मानव का कार्यक्रम है। तो ये विश्राम जो है वो जीवन के विश्राम को कह रहे हैं, ए स्टेट ऑफ एफर्टलेसनेस, है ना। एफर्टलेसनेस में ये नहीं है कि आदमी काम नहीं करेगा, काम करेगा लेकिन काम करते हुए थकेगा नहीं, है ना। हम भौतिक रूप में भी कई बार ऐसे देखते हैं कि हम काफी कुछ काम करते हैं लेकिन थकान नहीं महसूस होती, और अनमने मन से काम करते हैं तो काम हो या ना हो थकान साथ में जरूर हो जाती है। तो जो है वो मन जहाँ लगा रहता है वहां पर थकान वाला फीलिंग नहीं आता है। इसको अगर हम अपने में
एक्सपीरियंस कर पाए, अपने में टटोल कर देख पाए, तो ये बाबा जी इस अनुभूति के माध्यम से क्या कह रहे हैं उस तरफ जो है वो ध्यान जाता है कि एक्चुअल में हम सब अपने में इसको ये यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में भी हम जांच पाए कि क्या यह सिर्फ मेरे पे लागू होता है या ये शायद सब पे ही लागू होता है। मतलब हजारों लाखों लोग इस बात को सुन चुके हैं और मतलब अभी तक हमें कोई मिला नहीं कि कोई इन चीजों को रिफ्यूट कर पाए, इन चीजों को डिनाई कर पाए, ये जो बातें कही जा रही है कि नहीं भैया मैं तो रिलैक्सेशन की स्थिति नहीं चाहता। मतलब सभी जो है इस विश्राम की स्थिति को चाहते हैं। ये विश्राम भी जो है, और ये विश्राम किसको कह रहे हैं, उसी स्थिति को सुख भी कह रहे हैं, है ना। मानव का जो लक्ष्य है वो सुख प्राप्ति है, तो सुख भी उसी विश्राम वाली स्थिति का ही एक दूसरा नाम है। और वो किससे आएगा, समाधान से आएगा। समाधान ही सुख है ना, विश्राम है, ये सारी चीजें जो है वो उसी तरफ इशारा कर रही हैं। तो ये इसका एसेंस के रूप में हम पहली वाली अनुभूति में मैं इसको इस तरीके से देख पा रहा हूँ। दूसरे भी क्या कह रहे हैं, एक से अधिक मानव एकत्र या संगठित होने को परिवार, है ना। हम सब जब एक से अधिक मानव इकट्ठे होते हैं तो उसको मिनिमम स्वरूप में देखते हैं, तो परिवार के स्वरूप में देखते हैं उसको, और फैलाते हुए देखते हैं तो वो एक समुदाय के रूप में देखते हैं, कम्युनिटी के रूप में देखते हैं। वही कम्युनिटी का ही फैलाव होते होते जितना मर्जी हो जाए, फिर एक लास्ट स्टेट आती है जिसको हम अखंड समाज की के नाम से पहचान सकते हैं। तो जब तक हम एक यूनिवर्सैलिटी के लेवल के ऊपर यूनिवर्सल सोसाइटी को नहीं देख पाते हैं, यूनिवर्सल ऑर्डर को नहीं देख पाते हैं, तब तक उससे पहले जितने भी मानव इकट्ठा जी रहा है उसको समुदाय बोला। तो मिनिमम लेवल पे फैमिली, और एक्सट्रीम बिल्कुल जो लिमिट तक पहुंच गए पूर्णता की स्थिति वो अखंड समाज की स्थिति, और बीच में जिस भी स्थिति में जी रहे हैं उसको एक समुदाय की स्थिति में। वो अपने परंपरागत रिलीजन के रूप से हो सकता है, ज्योग्राफी के रूप से हो सकता है, देश के रूप में हो सकता है, भाषा के रूप में हो सकता है, सिटी के रूप में, प्रोफेशन के रूप में, किसी भी तरीके से उसको देख सकते हैं। तो जागृत मानव परंपरा में सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक अखंड समाज प्रमाणित होता है। तो जागृत मानव परंपरा में ही अखंड समाज तक पहुंचते हैं, उससे पहले वाली स्थिति में आदमी परिवार के लेवल पे जी पाता है, समुदाय के लेवल पे भी कुछ कोशिशें कर लेता है, लेकिन अखंड समाज में जीना प्रमाणित नहीं होगा, वो सिर्फ जागृत मानव परंपरा में होगा, ऐसा जो है वो यहाँ पर कह रहे। अब ये संगठन होने की बात कही, मानव इकट्ठे होकर के रह जी रहे तो उसको संगठन कह रहे हैं। तो संगठन के लिए कारण साम्यता के पर्पस को पहचाना जाए कि क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, है ना। मतलब इकट्ठे होना जो है वो मौज मस्ती के लिए भी इकट्ठा हुआ जा सकता है, पिकनिक मनाने के लिए भी इकट्ठा हुआ जा सकता है। तो मूल में कारण क्या है इकट्ठे होने का, उसकी उसको जो है ना उसी को कारण साम्यता कह रहे हैं। तो संगठन के लिए एक कोई ना कोई यूनिफाइंग थ्रेड होना जरूरी है, उसको कारण साम्यता या लक्ष्य साम्यता कह रहे हैं कि लक्ष्य एक है इसलिए साथ साथ चढ़ेंगे चलेंगे, या कारण एक है इसलिए साथ साथ चलेंगे, और फिर साथ साथ चलते हुए कैसे रहेंगे, साथ में निर्वाह करेंगे, उसके लिए कार्यक्रम की भी साम्यता होना आवश्यक है। अकेले में मानव के जीवन का कोई कार्यक्रम उत्पादन व्यवहार सिद्ध नहीं होता, ये हम बिल्कुल बड़ी आसानी से पहले भी हमने बातें की है कि हम सोचे कि हम मोबाइल नेटवर्क में अकेला अपनी फैमिली में बना लूंगा, या मेट्रो अकेला अपनी फैमिली में बना लूंगा, या स्कूल अपना फैमिली में चला लूंगा, ये सब कुछ नहीं होगा, है ना। सारी व्यवस्थाएं जो है उसमें जन बल लगता है, तो मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम जो है वो नहीं है। फिर बाबा जी ने इशारा किया कि इस पृथ्वी पर मानव अधिकतम विकसित इकाई है, इससे विकसित इकाई इस पृथ्वी पर परिलक्षित नहीं है। परिलक्षित नहीं है मतलब दिखती नहीं है। अब विकसित किस लिए है ये भी बाबा जी साथ में कारण कर बता रहे हैं कि मानव जो है वो मानवेतर सृष्टि। मानवेतर सृष्टि क्या है, रेस्ट ऑफ द नेचर, बाकी तीनों अवस्थाएं। तो बाकी तीनों अवस्थाओं के उपयोग सदुपयोग, इवन चाहे तो उनका दुरुपयोग या शोषण भी कर सकता है, और चाहे तो उनका पोषण भी कर सकता है, मानव की ये कैपेसिटी है ना। मानव जो है वो पशु पक्षियों का क्या करना है ये डिसाइड
करता है, कहाँ पे टाइगर रिजर्व होगा, है ना, कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, पशु नहीं डिसाइड करते मानव के लिए, है ना। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन को जब हम देखते हैं तो मानव जो है सुपीरियर इकाई पाया जाता है। मानव में मानवेतर सृष्टि, तीनों सृष्टि में पाए जाने वाले गुण स्वभाव धर्म जो है, ये भी मानव ही पहचान पाता है। हम देख सकते हैं पशु पक्षियों को ये सारा ज्ञान नहीं है। हम सब जो है एक्सप्लोर करते हैं, समझना चाहते हैं। और मानवेतर सृष्टि में ना पाए जाने वाले स्वभाव व्यवहार एवं अनुभूति को मानव में पाया जाता है। मानव जो है सब कुछ समझना चाहता है, मानव सुख धर्मी है। ये मानव से पहले वाली तीनों सृष्टि में इस तरह की चीजें नहीं। ये मोटा मोटा था पहली तीन अनुभूति में जो बाबा जी ने कहा ओपनिंग में, कॉन्टेक्स्ट रखते हुए, है ना। तो मुझे लगा कि इसको रख लेते हैं। कुछ प्रश्न हो तो बताएं। सुनील भाई, आप कुछ ऐड करना चाहते हो, आपका कुछ ध्यान गया हो, किसी और का ध्यान गया हो तो बताएं। नहीं भैया, ये तो कुछ नहीं। संजीव भैया, ये जो तीन नंबर तीन जो है मानवित्व सृष्टि में ना पाए जाने वाले स्वभाव, हाँ जी, तो ये यहाँ पर किनको इंगित कर रहे हैं? जैसे जैसे स्वभाव जो है वो मानव के, हमने मानवीय स्वभाव जो कहे थे वो क्या थे, अगर मैं आपसे पूछूं, साथ साथ ये टेस्टिंग भी होती रहे कि हमें कितना याद रह रहा है, तो क्या क्या स्वभाव थे मानव के, कुछ याद आ रहा है मानवीय स्वभाव? सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। तो मुझे तो याद नहीं कोई है बात नहीं। उनके। तो मानवीय स्वभाव जो है ना वो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, इसको मानवीय स्वभाव कहा। और अमानवीय स्वभाव कहा था दीनता, हीनता, क्रूरता को, तो ये जो दीनता, हीनता, क्रूरता वाली जो बात है, ये अमानवीय स्वभाव जो है ये हमें पशु पक्षियों में भी दिखते हैं। लेकिन ये जो धीरता, वीरता, उदारता, हम न्यायपूर्वक रहें, हम एक अखंड समाज के रूप में रहें, ये चाहना जो है ये मानव में है। ये रेस्ट ऑफ द नेचर में, जैसे हमारी बिल्कुल प्रेसीडिंग जो अवस्था है वो एनिमल्स वाली है ना, जीवावस्था जो है उसमें ये वाली चीजें नहीं दिखती। तो मानवेतर सृष्टि में ना पाए जाने वाले स्वभाव, नहीं, धीरता, वीरता, उदारता, ठीक तरीके से रह पाना, मानवीयता के साथ में रह पाना, ये मानव में दिखता है, बाकियों में नहीं दिखता, ऐसा है। जी, थैंक यू भैया। ठीक हो गया, आगे बढ़े फिर, अगली अनुभूति भी पढ़ लें एक बार प्लीज। भैया, ये जो मानव लक्ष्य की जहाँ पे बात होती है, वो हमेशा यही बोला जाता है कि मानव का कोई एक लक्ष्य है, एक पर्पस है आने का। तो हाँ जी, इस पे एक क्वेश्चन ये है कि मतलब क्या पर्पस है, या फिर पर्पस बनाया है हमने, कि हमने इस चीज को ऐसा सोचा कि हमारा आने का कोई पर्पस है, बट अदरवाइज कोई पर्पस नहीं है, मगर सिर्फ होने के लिए ही सब सब चीज सब जीव हैं जिसमें से हम भी हैं, कुछ ऐसा ऐसा अगर बोल सकें तो। तो भैया देखिए, ये प्रश्न आना जो है ना ये स्वाभाविक है, और काफी बार मुझे ऐसा लगता है कि आंसर भी ना हर व्यक्ति अपने आप ही कंक्लूड करता है ना। बाहर से उन इनपुट्स मिल सकती हैं, तो हम जो भी चर्चाएं करते हैं या बाकी लोग भी अपनी तरफ से कुछ बताते हैं, जैसे कि भैया कोई पर्पस है या नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं भैया कि ये अस्तित्व है और अस्तित्व निरंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में ये प्रस्तावित है, जो कि अभी हम इस अनुभूति में जैसा पढ़ भी रहे हैं, कि मानव ही, मानव से विकसित इकाई इस पृथ्वी पर नहीं है, है ना। ये अभी अभी हमने इस अनुभूति में पढ़ा। तो अस्तित्व निरंतर है और इसकी निरंतरता बने रहना ही इसका प्रयोजन है ना। ये धरती है, अच्छी सुंदर धरती है, ये अच्छी सुंदर धरती बनी रहे, ये जो है इसका प्रयोजन है। और क्योंकि मानव इस धरती पर सबसे विकसित इकाई है, ये काफी कुछ मानव के हाथ में है कि ये धरती ऐसी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। और हर मानव व्यक्तिगत रूप में जैसा भी सुख को पहचानता है, वो सुखी तो होना ही चाहता है ना। तो
तो मैं सुखी होना चाहता हूं, सुखी होने का कार्यक्रम अकेले में कुछ नहीं है, तो व्यवस्था होगी तो मैं सुखी होऊंगा, अव्यवस्था में मैं दुखी ही होता हूं, ऐसा भी हम एक्सपीरियंस करते ही हैं, है ना। वो अव्यवस्था बेशक घर में अव्यवस्था हो, वो अव्यवस्था बेशक समाज में अव्यवस्था हो, जहां भी अव्यवस्था होती है वहां पे हम दुखी होते ही, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि व्यवस्था होना जो है ये सब मानव चाहते हैं। भैया एक मैं शायद थोड़ा सा रिफ्रेश करूं, जी जैसे आपने एक बढ़िया, बहुत बढ़िया बात बोली है कि निरंतर है जो अस्तित्व है, तो अगर एक मानव इकाई को हटा के देखा जाए तो निरंतरता के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं हो पाती या नहीं होती है। तो मानव के आने के बाद में ये जो छेड़खानी हुई उसके बाद ही पर्पस डिफाइन हुआ, कुछ ऐसा अगर बोल सकें। क्यों? कारण उसका ये है कि जब मानव आया तो उसने अव्यवस्था लेके आया, कुछ मानव जो हैं वो व्यवस्था की टूवर्ड्स उसको बनाने में लग गए, तो इवेंचुअली ये एक समझ बनी कि कहीं ना कहीं हमारे को व्यवस्था चाहिए जिससे हमारे को सुख। तो मगर वो तो निरंतर है ना, वो तो है ही जैसा है, और हम भी अगर जैसे हम थे या जिसलिए हम आए थे अगर हम भी वही रहते तो ये सब नहीं होता जैसे बाकी जीव जंतु रहते हैं। आई थिंक इतना कोई छेड़खानी लेकिन नहीं। लेकिन भैया अब इसमें ना एक सवाल ये पूछा जाए कि मानव जैसा 10,000 साल पहले रहता था वैसे ही रहता रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्या हम ऐसा कह रहे हैं? भैया मैं ये समझता हूँ कि 10,000 साल पहले वाला भी मानव थोड़ा सा ऐसा हो सकता था, शायद वो सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को वो करता रहा, और जो उसको बीच में आया वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करता रहा। तो अब उसने व्यवस्था की टू वर्ड्स चला या अव्यवस्था के टू वर्ड्स चला, तो ये तो इस पे कहना मुश्किल है। तो ये जो है ना कुछ आगे जो हम पुस्तकें पढ़ेंगे बाकी की, उन पुस्तकों के ओपनिंग चैप्टर्स में ना बाबा जी ने इन चीजों के बारे में भी समीक्षा की है, मतलब बात निकली है तो ये देख ही लेते हैं कि एक बड़ी अच्छे तरीके से कल्पना में आ जाता है किस पुस्तक के शुरू में लिखा है, ऐसा मेरे को याद नहीं है, लेकिन बाबा जी ने बड़े अच्छे से इस चीज को भी हमारे चित्रण में लाए कि भैया ये जिसको हम कबीला युग कहते थे, है ना, जिसको हम ट्राइबल्स वाली कैटेगरी में रखे, तो युद्ध वगैरह उनके बीच में भी होते थे या नहीं होते थे, क्या लगता है? बिल्कुल होते थे, बिल्कुल होते थे, ठीक है। और युद्ध जो है ना किसी भी मानव को स्वीकार नहीं है, बिशक वो 10,000 साल पहले वाला मानव रहा हो बिशक आज का मानव, हमें भी युद्ध स्वीकार नहीं है, और वो ट्राइबल्स को भी उनके पास में ये बिशक भाषा ना हो लेकिन युद्ध हो रहा है, कोई हमारे को मार रहा है हम उसको मार रहे हैं, हमारे भी लोग मारे गए उनके भी, इतना को मतलब स्वीकार नहीं था ये, है ना। तो मानव ने जो कुछ भी किया है वो सुखी होने के लिए किया है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ना मानव जाति की हिस्ट्री को देख पाए तो कबीलों में युद्ध होता था, अपने लोग मारे जाते थे, तो फिर मानव को लगा कि यार हमारे पास में हथियार ज्यादा होने चाहिए, है ना, तो हमारे पास में हथियार ज्यादा होंगे तो कोई हम पे हमला करेगा तो हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो अभी तक वो सारी की सारी जर्नी में बाबा जी का समीक्षा ऐसे निकल के आता है जो कि हम सब अपने में एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जब बाबा जी की भाषा में पढ़ेंगे तो शायद और भी सटीकता से सामने आएगा कि अभी तक ना मानव जाति एक है, इसको पहचाना नहीं गया है ठीक तरीके से। धर्मों में बोला तो गया कि भैया सब एक है, लेकिन वो सब एक है परकोलेट नहीं हुआ, जीने में नहीं आया। तो जो ट्राइबल्स के टाइम से चला आ रहा था, अलग अलग ज्योग्राफीज में रहने वाले लोग ना अलग अलग दिखते हैं, कहीं पे कोई काला दिखता है, कहीं पे कोई गोरा दिखता है, सबके रहने जीने का तरीका भी अलग अलग रहता है। तो जिस तरह से मानव ने पशुओं को देखा उसी तरह से अपने से डिफरेंटली लुकिंग ह्यूमन बीइंग्स को देखा तो उनको भी एक अलग कैटेगरी मान लिया, ऐसा भी कल्पना में आ सकता है, है ना। एक जगह पे गोरे लोग रहते हैं तो, है ना, तो अब कहीं से काले लोगों के साथ में हो ऐसा भैया। आई थिंक जीव जंतु भी जो हैं वो जियोग्राफिकली जो हैं वो अलग ही मान के उनको थोड़ा सा चलते हैं, और जब एक्सेप्टेंस बन जाती है तो फिर उसको अपने साथ में ले लेते हैं, मतलब अगर ऐसा भी बहुत ही वो है एविडेंट।
हाँ बिल्कुल, लेकिन उनको अपने साथ में ले चलते हैं, लेकिन लेकिन फिर भी जो है वो उनसे अपने आप को बचाना है, ये जैसे है बचाने के लिए। ना, बिल्कुल जैसे बिल्कुल सांप रहता है, अगर हम खेती करते हैं और खेत में सांप आता है तो सांप से अपने आप को बचाना है, इसमें अपने में कोई विरोधाभास नहीं दिखता, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स इकट्ठे रहते हैं और ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को तंग करता है, वो वाली चीज नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं होती, वो अमानवीयता लगती है। सांप के व्यवहार में ऐसा फीलिंग नहीं आता, ये अपने में एक्सप्लोर करने वाली बात है। मेरा मूल क्वेश्चन ही यही था भैया। हाँ भैया वो जो एक्चुअली जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ महेश भैया कहना चाह रहे हैं शायद कि जैसे जीव जो जीवावस्था है वो एक बाय डिफॉल्ट वो उसने अपने आप को पहचान लिया कि कैसे जीना बिल्कुल बिल्कुल है बाय ना, डिफॉल्ट है ना, बाय डिफॉल्ट वो उस चीज में आ गए है ना, उस उनको कोई पढ़ाई लिखाई किया गलत गए फिर उसके बाद ठीक हुए या ऑर्डर कोई उनको उसमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जबकि इंसान अभी तक भी उस भ्रम में है या भटकाव में है कि क्या सही है क्या गलत है, और गलत भी करना शुरू कर दिया उसके बाद गलत सही को पहचानने की कोशिश चलने लगी। तो ये जो डिफरेंस है शायद ये क्वेश्चन है, और मेरे को भैया लगता है कि इसमें दो चीजें शायद हम लोग शायद डिस्कस कर सकते हैं। एक तो कल्पनाशीलता एक एक वर्ड हो सकता है यहाँ पर, और दूसरा ये कि ये ऑर्डर है, जैसे हम लोग प्राण अवस्था है जीवावस्था है फिर एक ज्ञान अवस्था एक डिफरेंट ऑर्डर है, तो उसके अंदर फिर जो जीवावस्था में जो फिट होता है जो आहार निद्रा भय मैथुन वो इसमें फिट नहीं होता है क्योंकि उनका कंटेंटमेंट इन चारों चीजों में हो जाता है, वो एक डिफरेंट ऑर्डर है उसमें उसका कंटेंटमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सुख की डेफिनेशन इसके थ्रू नहीं मिल पाती है। तो उसको फिर ज्ञान अवस्था का में जो था या इंसान मानव जो है वो उसको कहीं और सुख की तलाश सुख की तलाश में कहीं और चला, फिर उसमें वो कल्पनाशीलता बीच में आती है शायद। तो आई डोंट नो मे बी शायद आप उस पे थोड़ा सा और कमेंट कर सकें। मैं भी इसमें हाँ थोड़ा जी सा हाँ एक ऐड भैया करना चाह रहा था इसमें, जो ये फर्स्ट लाइन जो है ना, मानव विश्राम के लिए इस पृथ्वी पर अपने मान पर मानव अपने महत्व को जानने पहचानने और वह प्रयास से एवं प्रयोग में व्यस्त है। तो अभी हम अगर देखते हैं ना तो ह्यूमन में डिफरेंट क्या है, मतलब अगर हम एनिमल से कंपेयर करें या पहले की जो भी अवस्थाएं उनसे कंपेयर करें, ह्यूमन में डिफरेंट एक बहुत बड़ी जो चीज है वो जानने की जो ये फैकल्टी है हमारे पास कि जानना है हमें, मतलब अभी जो हम पर्पस को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ये फैकल्टी है ही क्यों, मतलब ये जो जानने वाली बात है जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, तो बाकी जो अवस्थाएं हैं उनमें पहचानना निर्वाह करना एक डिफॉल्ट हो रहा है जैसे देव ने बोला ऑटोमेटिकली हो रहा है, और हमारे में ये है, और ये भी हमें मालूम है कि कल्पनाशीलता भी है और कर्म स्वतंत्रता भी है कि हम सोच भी सकते हैं अपनी तरफ से एक्सप्लोर करके सोच भी सकते हैं और उस पर अमल भी कर सकते हैं, है ना। तो अभी हमने जितना भी सोच के अमल किया है उसमें हमने क्या है सिस्टम्स का एक बेसिक जो ढांचा हमने सोचा है व्यवस्था क्या होनी चाहिए उसका बेसिक ढांचा इस पे डिपेंड कर इसको हमने एक मतलब कांस्टेंट मान लिया है कि भय और प्रलोभन ही एक सच्चाई है। मतलब जितने भी आप सिस्टम्स उठा के देख लो, चाहे स्कूल सिस्टम देख लो, चाहे न्याय व्यवस्था देख लो, चाहे हमारी गवर्नमेंट व्यवस्था देख लो, उसमें हर व्यवस्था में एक भय का एलिमेंट होता है और एक प्रलोभन का एलिमेंट होता है, फियर एंड ग्रीड का एलिमेंट हर एक सिस्टम में हमने डाला हुआ है कि ऐसे ही ह्यूमन कंट्रोल होगा, है ना। तो यहाँ पे विकल्प क्या है, वो कह रहे हैं कि ये भय और प्रलोभन का सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम जो है वो है न्याय धर्म सत्य के ऊपर ही बेस्ड सिस्टम है। तो अभी जो हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं वो ये है कि व्यवस्था कैसे स्थापित होगी कि न्याय से ही व्यवस्था स्थापित होगी, हम कितना भी कोशिश कर लें भय और प्रलोभन से करने की वो हो गया होगा नहीं, और व्यवस्था और हम भी हम अभी हम ऑब्जर्व हम अपने आप को करें, जब जैसे ही हमने ये समझना शुरू किया कि न्याय धर्म सत्य क्या है तो हम अपने आप में एक ईज में आ गए, एक एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना जो टेंशन या जो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती थी वो एक संतुलित हो गई है। तो वो मुझे जो लगता है कि वो हम विश्राम की तरफ ही जा रहे हैं, तो उससे इंडिकेट होता है कि हाँ ये विश्राम ही हमारे लिए गोल है, हमारा जो पर्पस है वो विश्राम ही है।
मतलब ये जो तालमेल है, ये जो हार्मनी है, ये कैसे बनेगी? ये सिर्फ न्याय धर्म सत्य से ही बन सकती है, ये भय प्रलोभन से नहीं बन सकती। मतलब किसी को डरा के धमका के या किसी को कुछ दे के या प्रलोभित करके मैं उसको सीधे रास्ते पे ले आऊं तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये वाले सिस्टम्स हमने बहुत ट्राई कर लिए, अब जो व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं वो न्याय धर्म सत्य पे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम इसको स्टडी करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, हम हमारे अंदर खुद में ये एक विश्राम की स्थिति हम पहुंच रहे हैं उसमें धीरे धीरे, तो इससे अंदाजा होता है कि हाँ, अल्टीमेटली गोल हमारा, जो पर्पस हमारा है, वो विश्राम की स्थिति प्राप्त करना ही है। तो न्याय रहेगा तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा। म्यूचुअल फुलफिलमेंट मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ म्यूचुअली फुलफिल होके रहूंगा तो मैं भी विश्राम में रहूंगा, मेरा परिवार भी विश्राम में रहेगा। तो यही सिस्टम का आधार है, इसने मेरे ख्याल से ये इसमें इंडिकेशन है। कुछ बना महेश भाई? जी भैया, थोड़ा और सोचते रहेंगे, साथ साथ चलता रहेगा ये अपने में। मेरे को लग रहा है कि मनन चिंतन जो है, ये वाली चीजें मतलब अपने में प्रश्न बनते हैं, तो मतलब और आप भी पूछते हैं कई बार, हमें भी लगता है कि ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया गया तो हमारे अंदर भी चलता रहेगा, फिर दोबारा कभी इस बारे में और डिटेल में भी बातचीत जो है वो की जा सकती है। लेकिन बिल्कुल, मैं कई बार ना ऐसा देखता हूँ भैया कि कोई कहीं से प्रश्न ये भी आ सकता है कि यार ये तो पशु पक्षी ही बेहतर थे, है ना, या मानव 10,000 साल पहले ही बेहतर था। तो 10,000 साल पहले जैसा जीता था, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी देखो 800 करोड़ लोग इस धरती पर रहते हैं, हम सब भी किसी ना किसी तरीके से रह रहे हैं, उस तरह की जीवन शैली को अपनाना भी हमसे किसी ने छीन तो नहीं लिया। अगर हम सोचें कि भैया कहीं जंगल में ही जाके मैं रहूंगा और अपने साथ में कुछ 150 लोग जो हैं जैसे कबीला युग में रहते थे, है ना, वैसे ही रहेंगे, तो ये वाली संभावनाएं मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब जो भी प्रेजेंट व्यवस्थाएं हैं उन्होंने हमसे छीन नहीं ली हैं। लेकिन फिर हमें ये भी लगता है कि नहीं भैया वो भी अच्छा तरीका नहीं है, ऐसा भी फीलिंग आता ही होगा मन में, है ना, ये वो अच्छा ही था। आज भी तो हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जहां पर कि लोग जंगलों में रह रहे हैं और वो मानव ही हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वो खुश हैं ना खुश हैं ये तो वही जानते होंगे, क्योंकि उनसे बाहरी नाता नहीं है। तो आई थिंक वो उदाहरण आज भी हमारे सामने प्रस्तुत है, जो पहले जिस हिसाब से रहे। हमारे पास भी वो ऑप्शन भी है भैया, लेकिन हम फिर भी शहरों में रह रहे हैं, इससे क्लियर इंडिकेशन है कि हमने इस लाइफ को बाय चॉइस लिया हुआ है। अगर हमारी कल्पना में ये आता कि वो वाली लाइफ बेटर है तो हम वहां भी गए होते। जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने महत्व को नहीं जानेंगे और नहीं पहचानेंगे तो ये जो स्टेबिलिटी, जो जिसको आप विश्राम, मैं इसको स्टेबिलिटी की तरह से देख रहा था, तो ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो मुझे उसको, मैं उसको अगर इस तरह से सोचता हूँ कि मानव जब तक अपना महत्व नहीं पहचानेगा, नहीं जानेगा, तो अव्यवस्था या वो चीज बनेगी बनेगी और वो हमारे लिए सही नहीं होगा। आई थिंक तो मैं उसको इस तरह से देख रहा हूँ। अब जो आप लोगों का एक्सप्लेनेशन जब देखा तो मैं अपने दिमाग में उसके इस तरह फिट कर रहा हूँ। तो प्रयोजन, जो महेश जी का जो प्रश्न था कि प्रयोजन है या प्रयोजन हम बना रहे हैं, मैं उसको इस तरह से देख रहा हूँ कि अगर हम प्रयोजन नहीं समझ पाएंगे हाँ, तो हमारे लिए ये दिक्कत वाली बात आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मतलब पशु पक्षी के लिए यहाँ पर देखिए मध्यस्थ दर्शन में ये प्रस्तावित है कि कोई भी पशु पक्षी जो है वो समाधान की तलाश में, ज्ञान की तलाश में नहीं निकले। मानव जाति का इतिहास अच्छे से बताता है कि किसी भी देश काल में लोग रहे हो वो ज्ञान की तलाश में रहे, ठीक है। तो ये जो समाधान की तलाश है, ये ज्ञान की तलाश है, ये क्लियरली मानव में ही पाई जाती है, पशुओं में पाई ही नहीं जाती है ना, ये क्लियरली एक ऑब्जर्वेशन वाली चीज है। तो मानव पशुओं से बेहतर चीज है, उस बेहतरी को ठीक तरीके से पहचाना नहीं, इसकी वजह से गलतियां हो रही हैं। तो उन गलतियों में
कहीं पर ऐसा निष्कर्ष ना निकल रहा है, मेरे को लग रहा है इस चीज को पर अच्छे से सोचा जाए धीरे धीरे करके कि भैया पशु पक्षी बेहतर थे तो मानव ना ही होता, या मानव भी पशु पक्षियों की तरह से ही रहता रहता तो कितना अच्छा रहता। मानव की एक हैसियत है, मानव उस हैसियत को पहचान कर जी पाए, यही चाह यही आवश्यकता भी है बेसिकली, और उसी उसी के लिए सारे के सारे प्रयास चल भी रहे हैं जी। और इसमें एक चीज मैं और भी जोड़ना चाहूंगा कि ये भी कोई मुझे लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, कि इस बात की भी कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं है कि हम एक बार अगर व्यवस्था में आ जाएंगे तो वो चिरकाल तक वैसे की वैसे ही बनी रहेगी। देयर आर गोइंग टू बी सम नेचुरल फैक्टर्स जो हमारे भी कंट्रोल में नहीं है, और इसका भी उदाहरण हमको मिलता है अगर हम वापस अपने मतलब जियोलॉजी में या फिर हिस्ट्री में जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डायनासोर का एग्जाम्पल हम सबको पता है कि एक जमाने में धरती पर डायनासोर बहुत ज्यादा थे, उनका किस तरीके से विनाश हुआ इसमें उनका कोई दोष नहीं था, एक एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी हुई और उसकी वजह से वो पूरे सब कुछ ध्वंस हो गया। तो ये बात इस पर भी इंगित करती है कि हम एक बार व्यवस्था में आ भी जाते हैं और बहुत सारी सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो इस तरह की बहुत सारी सिविलाइजेशन थी जो अपने पीक पर थी जो, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे एक्टिविटीज हुई जिसकी वजह से उनका उनका एंड हो गया, नाश हो गया। तो सिविलाइजेशन जो है ना भैया, उसको समुदाय के रूप में देख सकते हैं, जैसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखें है ना, तो ये अखंड समाज वाली स्थिति नहीं है। तो अखंड समाज वाली स्थिति में ऐसा हो सकता है कि एक देश में कुछ नेचुरल कैलेमिटी आई और वहां के लोग खत्म हो गए, तो दुनिया से ज्ञान खत्म हो गया ऐसा नहीं होगा। जैसे के दुनिया में सबको इंजीनियरिंग आती है, अगर मोबाइल फोन आते हैं बनाने, लैपटॉप बनाने आते हैं, मेडिकल में डॉक्टरी क्या कर कैसे एजुकेशन देनी है और हॉस्पिटल्स कैसे बनाने हैं, ये आते हैं। और इमेजिन करें कि किसी कॉन्टिनेंट में कुछ हो गया और वो कॉन्टिनेंट खत्म हो गया, तो क्या दुनिया से इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी? संजीव जी, मैं एक और आगे की सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां पर कि मानव जो जाति है या मानव संस्था जो भी है, मानव ही नहीं रहेंगे, इसमें मानव का भी दोष नहीं रहेगा। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे ज्ञान को पाने के बाद भी ये नश्वर है, यहाँ तक मैं इसको सोच पा रहा हूँ, और उसमें मानव की भी गलती नहीं होगी शायद। वो ठीक, वो तो भैया वो जब होगा तो, अगर वो कभी जैसे हम सब ने एक दिन मरी जाना है तो भैया ये अध्ययन क्यों कर रहे हो? वही पहुंच गई मौज लो। ठीक है, तो भैया आदमी का जो है ना, मतलब ये अपने में एक्सपीरियंस करने की चीज है कि भैया सांस चलती रहे, खाना खाता रहूं, एयर कंडीशनर लगा के बैठा रहूं, इससे तृप्ति नहीं हो रही है। ठीक है, तो अस्तित्व के स्तर पर जो कुछ होगा वो जब होगा जैसे होगा वो अपनी स्थिति है, लेकिन अस्तित्व तो है ना, अभी तो है। और ऐसा कुछ है नहीं कि भैया अभी 150 साल में धरती खत्म होने वाली है। अगर होने वाली है तो मानव की ही नासमझी की वजह से हो रही है। तो मानव को समझना है, मानव का एक समझने का कार्यक्रम था, वो समझने के कार्यक्रम को प्रायोरिटी में नहीं लाए, उसकी वजह से काफी मुश्किलें हो रही है। इस चीज को हम पहचान पाते हैं तो फिर हम समझने में लगते हैं, और नहीं तो बाकी भी काफी सारे विकल्प और भी हैं भैया, वो सारे है ना, तो ये चॉइस अपनी है। ठीक हो गया जी भैया? ठीक है, तो अपने महेश जी, मतलब कई बार ऐसा होगा कि शायद प्रश्नों के शायद संतोषजनक उत्तर ना बने, तो उसमें ऐसा ना मान ले कि ये दर्शन की सीमा है, मध्यस्थ दर्शन की या अक्षमता है, ये हमारी बात करने वालों की भी सीमाएं और अक्षमताएं हो सकती हैं कि हम कभी कभी किसी क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाते, तो पेंडिंग में रखेंगे, धीरे धीरे करके हमारी भी स्पष्टताएं बनेंगी, आपकी भी बनेंगी, ये आश्वासन है। इतना ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। ठीक है, आगे का भी पढ़ लेते हैं ये वाली अनुभूति को और फिर बात कर लेंगे। मैं पढ़ता हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी।
सामाजिकता से आवश्यकता, आवश्यकता से प्रयोग एवं उत्पादन, प्रयोग एवं उत्पादन में से अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन से उपयोग, सदुपयोग व प्रयोजनशीलता, उपयोग सदुपयोग व प्रयोजनशीलता से व्यवहारिकता, व्यवहारिकता से मानवीयता तथा मानवीयता से अखंड सामाजिकता है। अखंड सामाजिकता के अर्थ में सार्थक है। अखंडता, अखंडता सार्वभौमता सहज सूत्र व्याख्या रूप में मानव का प्रयोजन, सामाजिकता संपर्क एवं संबंध में निहित मूल्यों का निर्वाह ही सामाजिकता है। आवश्यकता निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति जो समझदार परिवारों में निर्धारित होता है, तीव्र इच्छा ही आवश्यकता है। यह शरीर पोषण संरक्षण समाज गति के अर्थ में समुचित साधन, मानव की परस्परता में व्यवहार प्रयोग एवं उत्पादन को संतुलित समृद्ध एवं जागृत पूर्ण प्रमाण परंपरा के लिए प्रयुक्त आवश्यकीय साधनों की समुचित साधन संज्ञा है। शरीर पोषण संरक्षण व समाज गति के लिए अर्पित समर्पित वस्तुएं समुचित साधन है। प्रयोग मानव की आवश्यकता के रूप में प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता मूल्य व कला मूल्य को स्थापित करने हेतु सफल होते तक प्रयास ही प्रयोग है। उत्पादन प्रयोग को सामान्यीकृत करते हुए विकसित क्रिया पद्धति में श्रम नियोजन प्रक्रिया की उत्पादन संज्ञा है, जिसमें बहुतायत उत्पादन की अथवा निर्माण की कामना सन्निहित रहती ही है। अर्थोपार्जन प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपाय पूर्वक श्रम नियोजन से कला एवं उपयोगिता की सिद्ध मात्रा ही धनोपार्जन संज्ञा है। उपयोग उत्पादन व सेवा के लिए प्रयुक्त अर्थ ही उपयोग संज्ञा है। उत्पादन प्रयोग को सामान्यकृत करते हुए विकसित क्रिया पद्धति में श्रम नियोजन प्रक्रिया की उत्पादन संज्ञा है, जिसमें बहुतायत उत्पादन की अथवा निर्माण की कामना सन्निहित रहती ही है। और ये इसको हम रिपीट कर रहे हैं क्या सर? यहाँ पर शुरू करना, उपयोग जी 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 उपयोग उत्पादन व सेवा के लिए प्रयुक्त अर्थ की उपयोग संज्ञा है। उत्पादन उत्पादन दो भेद होता है, सामान्य आकांक्षाएं आकांक्षा से अथवा महत्वाकांक्षा से। सामान्य आकांक्षा आहार आवास एवं अलंकार में प्रस्तुत वस्तुओं को सामान्य संज्ञा है। महत्वाकांक्षा दूरगमन दूर श्रवण दूरदर्शन तथा दूर श्रवण के लिए प्रयुक्त वस्तुओं को महत्वाकांक्षा संज्ञा है। सदुपयोग परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी करते हुए तन मन धन रूपी अर्थ का नियोजन सदुपयोग है। प्रयोजन जागृति पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में तन मन धन का नियोजन प्रयोजन है। व्यवहारिकता मानवीय पूर्ण आचरण की व्यवहारिकता संज्ञा है। जी ये हो गया, ये भी पढ़ लीजिए। अखंड सामाजिकता का अध्ययन मानवीय स्वभाव विषय एवं दृष्टि के आधार पर ही है, जिसके संरक्षण हेतु सामाजिक व्यवस्था है। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू तो जहां से ये अनुभूति शुरू हुई ना, ये बाबा जी की शैली जो है, इसको एक इसका कोई शब्द ऐसे नहीं है, मैं इसको अपने में एक चक्राकार विधि से जो है ना बाबा जी कुछ समझाने की कोशिश करते हैं ऐसे देखता हूँ। और आप भी धीरे धीरे करके इसकी थोड़ी सी इसको इस तरह से देखें, तो ये ना कुछ शब्द एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा, और फिर आखिर में जाके जहां से शुरू हुआ होता है वहीं वापस पहुंच जाते हैं। जैसे सामाजिकता से आवश्यकता, और फिर आखिर में क्या हो गया, मानवीयता से सामाजिकता। तो सामाजिकता से शुरू हुए और सामाजिकता पे ही आके
खत्म हो गया। तो सामाजिकता से आवश्यकता, आवश्यकता से प्रयोग, प्रयोग से अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन से उपयोग प्रयोजनशीलता, वहां से व्यवहारिकता, व्यवहारिकता से मानवीयता, मानवीयता से सामाजिकता। एक तरह से ये एक साइक्लिक तरीके से, एक सर्कुलर, सर्कुलर शब्द भी ठीक लगता है मेरे को, एक सर्कुलर तरीके से चीजों का इंटर रिलेशनशिप जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा जी। तो इनके ऊपर धीरे धीरे करके अपने में मनन करके देखा जाए कि ये यू नो मतलब इट विल नॉट हैपन प्रोबेबली इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑलवेज, तो पढ़ा जाए, देखा जाए, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसे सामाजिकता से आवश्यकता, तो जैसे हम अखंड समाज को ही सामाजिकता के भाव के साथ में जीना कह रहे हैं, तो अब सामाजिकता से आवश्यकता है ना, तो अब समाज है तो समाज की कुछ आवश्यकताएं हैं, ऐसा कह ही सकते हैं, है ना, समाज है तो समाज की आवश्यकताएं हैं। अब पूरा देश चल रहा है, पूरी धरती चल रही है, तो खेती की भी आवश्यकता है, ट्रांसपोर्टेशन की भी आवश्यकता है, घरों की भी आवश्यकता है। तो सामाजिकता से आवश्यकता, आवश्यकता से प्रयोग एवं उत्पादन, ये भी ठीक सी बात करती है। तो भाई जिस चीज को आवश्यकता के रूप में पहचान लिया जाता है, उसके ऊपर प्रयोग और फिर उत्पादन जो है वो शुरू हो जाता है। अगर चीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश तरीके से बन रही है तो सीधा उसका उत्पादन होगा, और ऑलरेडी एस्टेब्लिश तरीका भी नहीं बना है तो उस तरीके को एस्टेब्लिश करने के लिए फिर प्रयोग जो है वो किए जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। ये प्रयोग की बाबा जी ने परिभाषा भी दी, हम यहाँ पर जैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रयोग किसको कह रहे हैं, मानव की आवश्यकता के रूप में प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता मूल्य व कला मूल्य को स्थापित करने हेतु सफल होते तक प्रयास ही प्रयोग है। पहली बार ही हम कुछ काम करेंगे और वो सफल हो जाएगा, ऐसा भी कहते हुए नहीं बनता है ना। हम इंजीनियरिंग के फील्ड में जो लोग हैं या बाकी सब जगहों के ऊपर भी जहां भी हम काम कर रहे हैं, पता ही चलता है कि पहली बार प्रयोग करने से कोई चीज बिल्कुल ठीक से हो जाएगी, उसका तरीका भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो प्रयोग करते रहते हैं और प्रयोग करते करते फिर जो है वो उसका एक वो जब तक वो सफल नहीं हो जाता, एक कंसिस्टेंसी नहीं बन जाती, तब तक उसको प्रयोग की संज्ञा दे रहे हैं, प्रयोग का नाम दे रहे हैं। और जब एक बार उसकी कंसिस्टेंसी बन जाती है तो फिर उसको उत्पादन का नाम दे रहे हैं, फिर वो एक तरह से उसका रेगुलर प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो ये जो है इस तरह से प्रयोग एंड उत्पादन में डिस्टिंक्शन किया बाबा जी ने। तो प्रयोग एंड उत्पादन से अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन से उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता, उनसे व्यवहारिकता, व्यवहारिकता से मानवीयता, और मानवीयता से अखंड सामाजिकता। ऐसा करके एक चक्राकार विधि से ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बाबा जी बता रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है देखा जाए, सोचा जाए और पढ़ा जाए। थोड़ी सी हमने बात कर भी ली, जो जो शब्द है उन शब्दों को यहाँ पर रखा हुआ है। एक दो चीजें मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगती है उस पर मैं बात अपनी तरफ से रख लेता हूँ। जैसे ये आवश्यकता जो है, ये मेरे को अच्छा पर्सपेक्टिव लगा, अच्छा व्यू पॉइंट लगा यहाँ पर। निर्वाह के लिए, निर्वाह किस चीज का करना है, संबंधों का निर्वाह करना है। तो निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति जो समझदार परिवार में निर्धारित होता है, तीव्र इच्छा ही आवश्यकता है। तो संबंधों के निर्वाह के लिए हमें वस्तुओं की आवश्यकता होगी, है ना, ये हर समझदार परिवार जो है इस चीज को पहचान सकता है। तो उन वस्तुओं को जैसे हम पहचान पाते हैं, उन वस्तुओं को हम तीव्र इच्छा के रूप में जो है वो स्वीकार लेते हैं, और फिर वो हमारे एजेंडा बन जाता है, फिर वो हमारा लक्ष्य बन जाता है। तो जब तक समझदारी नहीं होगी परिवार में, कई बार हमारी आवश्यकताएं क्या है वो ही अगर ठीक तरीके से ना पहचानी गई, अगर सुविधाओं को ही, अगर पैसे को ही जिंदगी का एकमात्र कार्यक्रम मान लिया गया या सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम मान लिया गया संबंधों के निर्वाह के लिए, जैसा कि हम लोग बार बार बात करते ही हैं, अपने आसपास काफी कुछ दिखता है कि अगली पीढ़ी को बहुत पैसे छोड़कर जाने हैं, बहुत प्रॉपर्टी और असेट्स छोड़कर जाने हैं, अगर अगर इसको हम संबंधों का सही निर्वाह मान लेते हैं तो फिर हम इसी के पीछे लग जाते हैं। तो आवश्यकता क्या है,
समझदार परिवार में निर्धारित होता है कि आवश्यकता क्या है, और फिर जिसको हम आवश्यकता के रूप में पहचान लेते हैं उसकी हमारे अंदर तीव्र इच्छा बन जाती है। ये जो है यहाँ पर एक बड़े क्लियरली जो है वो कह रहे हैं। तो मैंने किस वस्तु को, किसको अपनी आवश्यकता के रूप में पहचाना हुआ है, इसका भी एक रिफ्लेक्शन करना जो है, ये मुझे लगा कि ये इस पॉइंट से, इस परिभाषा से काफी अच्छे से वो निकल कर आ रहा था। मुझे लगा कि ये वाली बात जो है इसको रख लेते हैं। साधन हो गए, प्रयोग उत्पादन की बात कर ली, ठीक है। इतना मेरे को अपनी तरफ से इतना रखना था। कुछ और प्रश्न वगैरह बनता हो तो बताएं। एक ना यहाँ पर शब्द आया है भैया, हाँ, अर्थोपार्जन का क्या मीनिंग होगा? हाँ, तो उपार्जन का क्या मतलब हुआ? उपार्जन मतलब एक तरह से किसी चीज को कमाना, क्या कहेंगे भैया सुनील भाई, कमाना शब्द ठीक है, किसी चीज को प्राप्त करना, उपार्जित उपार्जन। ओके, है ना, उत्पादन तो नहीं कहेंगे, उपार्जन जो है। तो अर्थोपार्जन मतलब ये जिसको भी हम अर्थ के रूप में मानते हैं, इसको वस्तुओं के रूप से देख सकते हैं हम, जिन भी चीजों की हमको आवश्यकता लगती है तो उसको जो है वो अर्थोपार्जन कह रहे हैं। ओके, क्रिएशन भी कह सकते हैं इसको, अर्थ को क्रिएट करना मतलब। हाँ ठीक है, अलग अलग शब्दों से हम कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे तो मैं इसी पे ही आ रहा था, तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में ना बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। अभी 2-3 दिन पहले कहीं पे बात हो रही थी, तो हमने जब 30 मूल्यों की बात की थी तो आपको याद है कि 30 मूल्यों में बिल्कुल राइट साइड पे टेबल में हमने वस्तु मूल्य लिखे थे, याद है भैया आप लोगों को किसी को? जी भैया। हाँ, तो वो वस्तु मूल्य में 2 मूल्य आए थे, वो क्या थे? यही था शायद, कला और उपयोगिता शायद। उपयोगिता, हाँ, उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य। कला मूल्य, तो भले इसे कहते हैं कि कई बार जैसे डिस्कशन वगैरह होते थे, ये उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य जो है वो किसको किसको कह रहे हैं, ये अपने में धीरे धीरे जैसे जैसे स्पष्टता हम क्लियरली बना पाए ना, उतना मेरे को लगता है कि वो हम भी रियल लाइफ में देख पाते हैं शायद कि बाबा जी किस किस चीज की तरफ हमारा ध्यान जो है वो दिला रहे हैं। तो उपयोगिता मूल्य जो है ना, वो मैं उसको इस तरीके से देखता हूं कि जैसे किसी चीज का फिजिकल रूप में मेरे शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ता है और शरीर को ठीक लगता है, शरीर के बने रहने में, शरीर के स्वस्थ रहने में, उसको उपयोगिता मूल्य कह रहे हैं, ठीक है। और कला मूल्य क्या है कि जब जीवन वाले पार्ट को कुछ अच्छा लगता है, तो इसके ऊपर हम सब समझने के क्रम में है, लेकिन मुझे ना 2-3 दिन पहले एक अच्छा सवेरे ना अचानक एक ऐसा एग्जाम्पल दिखा, तो मुझे लगा कि अभी यहाँ पर कला मूल्य उपयोगिता मूल्य आया है तो इसको आपके साथ में थोड़ा शेयर भी करें। और जिनके बच्चे छोटे हैं वो अपने अपने घर की परिस्थितियों के अनुसार देख सकते हैं कि किस उम्र के बच्चे से किस तरीके से जो है वो इस टॉपिक को छेड़ा जा सकता है। मैंने तो अपने बच्चे बड़े हैं, आज बिटिया के साथ बैठ के बात की सुबह आधा घंटा धीरे से, तो लगा कि हाँ एक इंटरेस्टिंग सा जो है वो टॉपिक बन रहा है, इसलिए आपसे शेयर करने का भी मन किया। मैंने ब्रश कर रहा था 2-3 दिन पहले बाथरूम में, तो अचानक मेरा ध्यान गया कि जैसे वो ब्रश होल्डर रहता है ना, टूथपेस्ट होल्डर, ब्रश होल्डर बाथरूम में, तो घर के जितने लोग हैं एक एक उसमें जो है वो सबके ब्रश रहते हैं, तो हमारे ना सबके ब्रश अलग अलग थे, अलग अलग कलर के थे, है ना। जैसे कि मेरा ब्रश जो है, टूथब्रश जो है वो ब्लू कलर का है, एक बिटिया का ग्रीन कलर का है, ऐसे करके सबके अलग अलग रंग के।
आप लोगों के भी घर में जब होगा तो सबके घर में ब्रशेस जो है वो एक ही रंग के होते होंगे या अलग अलग रंग के होते होंगे? अलग अलग भी पहचानना इजी रहता है, पहचानना इजी रहता है। ठीक है, तो अभी अभी ना मेरा ध्यान क्या गया कि कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिनमें हम ना कुछ भी क्रिएटिविटी लगाते हैं तो उस क्रिएटिविटी से सीधा शरीर पे फर्क पड़ता है। जैसे कि मैं एक एक ऑर्डिनरी कुर्सी ला सकता हूं और उस ऑर्डिनरी कुर्सी पर बैठ सकता हूं, है ना, ये एक स्थिति बनती है। फिर होता है कि वो ऑर्डिनरी कुर्सी के ऊपर एक अच्छा सा कुशन लगा हो, ये दूसरी स्थिति हो सकती है, है ना, उस पर लंबा देर तक बैठने से आसानी रहेगी। आर्म चेयर हो, अब बाजू भी रखी जा सके, अगर रिक्लाइनिंग बैक होगी तो और भी बढ़िया हो जाएगा, कुर्सी के पहिए लग जाएंगे तो क्या होगा, और भी ठीक हो जाएगा। तो हर एक स्थिति में जैसे जैसे कुर्सी में कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है तो साथ साथ कुर्सी का शरीर के लिए जो है उपयोगिता बढ़ रही है, ऐसा हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते? इतना इतने जो बात कर रहा हूं इतनी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, कि कुर्सी पे अच्छा कुशन लग गया तो वो शरीर के लिए ज्यादा उपयोगी हो गया, इसको हम देख पाते हैं। मेरा ध्यान इस तरफ गया कि जब मैं ब्रश करता हूं तो मेरा ब्रश नीले रंग का है या मेरा ब्रश हरे रंग का है, इससे मेरे शरीर को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम जब वस्तुओं को यूज करते हैं तो वस्तुओं को यूज करते समय उनके दो एस्पेक्ट्स रहते हैं। एक एस्पेक्ट रहता है जो कि उस वस्तु से सीधा मेरे शरीर को फर्क पड़ता है, और एक उसका वो वाला एस्पेक्ट रहता है जिसका मेरे शरीर के ऊपर डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मन को अच्छा लगता है, जैसे किसी को कोई रंग अच्छा लगता है ना, तो जिसको कोई रंग अच्छा लगता है, अब रंग अच्छा लगता है ये किसकी बात आ गई, ये अब जीवन वाले पार्ट की बात आ गई। कई बार मैं बैठ के ऐसा भी मेरे को लगता है कि जैसे सपोज कीजिए मैंने ब्लैक पैंट पहनी, अब बाहर जाना है तो ब्लैक पैंट के साथ में मैंने ब्राउन जूते पहन लिए, और एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि मैचिंग जूते पहने जाए, ब्लैक पैंट के साथ में ब्लैक जूते पहन कर निकला जाए। अब शरीर को क्या फर्क पड़ता है कि ब्लैक पैंट के साथ में ब्राउन जूते पहने गए या ब्लैक पैंट के साथ में ब्लैक जूते पहने गए? कुछ शरीर को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हमें किसी तरीके से अच्छा लगता है, किसी तरीके से अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो अच्छा लगना ना लगना है वो जीवन के साथ में रिलेट हो रहा है, जब ये कलर वगैरह की बात आती है। तो ये जो है ना, ये कला मतलब वस्तुओं में एक एस्पेक्ट है जो हमको सीधा शरीर के साथ में रिलेट होता है, और एक एस्पेक्ट है जिसका शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली बात क्या बच्चों का ध्यान आकर्षण कराया जा सकता है इस बात पर, इसकी आवश्यकता लगती है कि नहीं लगती? बिल्कुल लगती है, और आई थिंक उससे काफी चीजें जो है वो सॉल्व भी हो जाएंगी। मुझे भी ये लगा। एक पॉइंट है ब्रांड कॉन्शियसनेस। एग्जैक्टली। हम वही बैग जो है गुची का बैग खरीदेंगे तो हमको कितना पैसा देना पड़ेगा, whereas वही अगर हम किसी लोकल शॉप से खरीदें तो वही काम हो जाएगा, लेकिन दोनों में अंतर है काफी पैसे का। ठीक है, तो मतलब उसको देखा जैसे भी जाए, उसको पैसे की तरफ लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना, ये हर व्यक्ति अपने में डिसाइड कर सकता है। लेकिन कम से कम हमारे ध्यान में भी, हमारे घर में भी जो कुछ हो रहा है, हम भी अपनी जिंदगी में वस्तुओं को यूज कर रहे हैं, वस्तुओं के ये दो एस्पेक्ट रहते हैं, ये दो एस्पेक्ट की तरफ हमारा भी ध्यान बना रहे, मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है। मतलब तो यहाँ पर ये आया था कला मूल्य और उपयोगिता मूल्य, और ये दो तीन दिन से मेरे मन में कुछ ये चल भी रहा था, तो मुझे लगा ये भी मैं आपके साथ में थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। आई डोंट नो डायरेक्टली कितना रिलेट हो रहा है कंटेंट के साथ में नहीं, लेकिन ठीक है, बात तो कर ली। एक्चुअली वस्तु मूल्य से ज्यादा आज की डेट में कला मूल्य का जो मूल्य है बेसिकली वो वस्तु मूल्य को आगे निकल गया है, और ये हम हर जगह देख रहे हैं, चाहे तो हम मोबाइल फोन में देख रहे हैं, चाहे हम पेंटिंग्स में देखते हैं।
कलामूल्य इज डेफिनेटली मतलब द गेम चेंजर इज कलामूल्य। तो हाँ यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में भैया एक सूत्र आएगा कहीं ना कहीं पर, जैसे हम पढ़ेंगे मानव का जीना जीवन प्रधान है, हमारे शरीर की आवश्यकताएं कम हैं, ये हमारी जीवन की ही आवश्यकताएं हैं जिनके पीछे सारी भागदौड़ लगी हुई है, ठीक है। तो इसको हम पहचान पाए, ये नहीं कह रहे हैं कि जीवन की आवश्यकताओं को इग्नोर करना है, लेकिन लेकिन एक एक सूत्र भी और आएगा, हम दूसरे सेशन में थे वहां पर आया भी कि जो जीवन की आवश्यकता है ना, ये एक तो ये कला पक्ष वाला पार्ट है और एक ज्ञान पक्ष वाला पार्ट है। तो जब तक ज्ञान पक्ष की तरफ ध्यान नहीं जाता है या ज्ञान पक्ष फुलफिल नहीं होता है, तब तक ये कला वाला पक्ष जो है ना, ये ज्यादा प्रभावशाली इफेक्टिव बना रहता है। तो अभी तक हम सब यही सुनते रहे और सुनाते रहे कि भैया ये फालतू की चीजें हैं, इसकी तरफ ज्यादा एनर्जी मत लगाओ, लेकिन उससे कुछ हल निकलता नहीं है। तो ज्ञान पक्ष को पहचान कर, ज्ञान पक्ष को सेटिस्फाई कर पाए, यही जो है ये इससे जो है ना वो कला पक्ष सही पर्सपेक्टिव में आएगा। नहीं तो जीवन तो बड़ी चीज है ही है, तो वो उपयोगिता मूल्य से कला मूल्य ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, लेकिन ज्ञान पक्ष की तरफ ध्यान जाने से ये दोनों अपने अपने जितनी जिसकी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता में सेट हो जाता है। जी भैया, बढ़िया भैया। मेरा एक चीज पे और ध्यान गया था कि इससे इससे जो है प्रयोग किस चीज का क्या प्रयोजन है, अगर वो समझ जाए तो उससे बच्चों की लाइफ भी सेटल हो सकती है और हमारे में भी उसका प्रभाव बहुत रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इवन जैसे कि मैं सोच पा रहा था कि एक कार है और एक कार अगर रेड कलर की है और एक कार अगर व्हाइट कलर की है, दोनों का पर्पस सेम ही है या फिर एक महंगी और एक सस्ती है, तो प्रयोजन जो है वो एक बारी समझ में आ जाएगा तो शायद वो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये पेंसिल जो है इसका काम लिखना ही है, चाहे वो 10 रुपए की है चाहे वो 1 रुपए की है। बिल्कुल बिल्कुल। और उर्लीन पूछ रहे थे कि ज्ञान पक्ष के बारे में थोड़ा सा अगर और बताएंगे थे। तो भैया ये जितनी हम ये बातें कर रहे हैं ये सारी की सारी ये ज्ञान वाले पक्ष की ही बातें हैं। तो क्या रहता है कि आदमी भैया छोटी सी सॉरी सॉरी हाँ 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 एक चीज जोड़नी थी, जो अभी आपने बोला था जो कला पक्ष है जो वो जीवन का एक वो है जो जीवन को लुभाता है अगर मैं ऐसा बोल सकूं, तो हमारे को जो जीवन है उसको ज्ञान पक्ष की ओर केंद्रित करना है ना कि कला पक्ष की ओर, ये बोलेंगे तो ठीक रहेगा। तो करना करना में जब लेकर जाते हैं तो हम मतलब देखिए भाषा में अगर भाषा के मीन में ना जाए तो मोटा मोटा से जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये करना हमने किसी और के लिए नहीं है, ये अपने लिए ही करना है, क्योंकि हमें ये स्वीकार हो जाता है कि हाँ ये ठीक जीने का तरीका है, इसी से मैं सुखी होऊंगा, है ना। हम लोग देखो मोटा मोटा सा ना मैं ऐसा देख पाता हूँ, ये अपने में भी देख पाता था जीवन विद्या से पहले और आप में भी देख पाता हूँ, आप जितने भी साथी इन इन गोष्ठियों में आते हैं, कि भैया वस्तुएं इकट्ठी कर करके और वस्तुओं को भोग के हम सुखी हो जाएंगे, ये तो एक जिंदगी का अधूरा कार्यक्रम के रूप में हम सब ने पहचान लिया है ना, इसका अधूरापन जो है वो हम सब ने स्वीकारा हुआ है, अब इतना हमारी समीक्षा हो गई इसकी, लेकिन किया क्या जाए वो किया क्या जाए वो पता नहीं चलता। तो ये जो किया क्या जाए, क्या मानव की आवश्यकता क्या है, इसको किसी ने ठीक तरीके से पहचान लिया, वो किसी ने कौन है, मिस्टर ए नागराज है, उन्होंने ठीक तरीके से पहचान लिया और हमारे सामने प्रस्ताव रूप में रखा। जितना जितना हम इस प्रस्ताव को समझते हैं हमें लगता है कि हाँ भैया इन्होंने ठीक तरीके से पहचान लिया और इनकी इनके प्रति फिर इनकी श्रेष्ठता के प्रति हमारा सम्मान बढ़ता है, लगता है कि भी बात इन्होंने जितनी अभी तक समझ में आई ये ठीक कही है तो और भी समझते हैं, बाकी भी जो इन्होंने कहा होगा वो ठीक कहा होगा, तो फिर हम उसको समझने के लिए चलते हैं, ब्लाइंड फेथ के हिसाब से नहीं चल रहे हैं और चलना भी नहीं है, ऐसा बाबा जी ने हमेशा कहा है, हर पॉइंट पर अपना शोध जो है वो करते रहो, अपना एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंशियली उसको फील करते रहो।
तो ये ज्ञान वाला पार्ट है जो इसी से ही हमको सही रास्ता पता चलेगा, नहीं तो उसके एब्सेंस में फिर जिसको हम एज्यूम करते हैं ठीक उसके पीछे चल पड़ते हैं। सारी मानव जाति में हो तो यही रहा है, जो जिसको ठीक मानता है वो कर रहा है, चीजें मिलजुल के गलत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इवन जीवन विद्या में यही एक सुंदर बात है कि सॉल्यूशन जो विकल्प जो है वो उसके बारे में बात होती है। थोड़ी मतलब कुछ एजुकेशन के साथ मैं जुड़ा था पास में, तो उसमें सॉल्यूशन की बात जो है वो थोड़ी सी रह जाती है, यही बात होती है कि ये गलत है। हाँ, तो गलत को गलत, बाबा जी ने एक संवाद में बड़े अच्छे से कहा है, गलत को गलत बता देना कोई उपलब्धि नहीं है। तो गलत को गलत के रूप में पहचाना जाए और ठीक भी बता दिया जाए या पता चल जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बात याद नहीं, जब जॉब करता था तो उस समय उसके आगे कोई चीज लेके जाओ, जरा सा आवाज कम हो गई आपकी। मैं कह रहा हूँ जब जॉब करता था उस समय बॉस के आगे कोई कंप्लेंट या कोई चीज लेके जाओ कि यार ये चीज तो ठीक नहीं हो रही या फिर ऐसा ठीक नहीं है, तो वो कहते थे यार प्रॉब्लम मत लेके आओ, सॉल्यूशन बताओ। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। तो हम जब जितने लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहे हैं हम सबने ये देखा ही है, भाषा भी ये कि रिजल्ट ओरिएंटेड जो है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जी, हाँ सॉल्यूशन ओरिएंटेड सही है। इनफैक्ट भैया बच्चों के साथ भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि टीवी मत देखो, ये बड़ा जोर से लाइन बोल दी जाती है, तो ठीक है लेकिन क्या करो फिर, क्या इसका करो? विकल्प चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक है, आगे बढ़े, कौन पढ़ेंगे यहाँ से? जी मैं पढ़ लेती हूँ भैया। आपके दो चले हुए सिस्टम शिल्पा जी, इसकी प्रॉब्लम अभी ठीक आ रही है आवाज? अभी ठीक है। ऊपरी वर्णित आधार पर अध्ययन करने पर मानव प्रवृत्तियों की कुल तीन प्रकार से गणना होती है, अमानवीयता, दूसरी मानवीयता, तीसरी अतिमानवीयता। अमानवीय स्वभाव विषय एवं दृष्टि का संरक्षण संवर्धन एवं प्रोत्साहन देने हेतु की गई व्यवस्था अमानवीय अथवा पाशविक प्रवृत्ति व्यवस्था है। अमानवीय स्वभाव दीनताहीनता एवं क्रूरता ही अमानवीय स्वभाव है। अमानवीय विषय आहार निद्रा भय एवं मैथुन ही अमानवीय विषय हैं। अमानवीय दृष्टि प्रियाप्रिय हिताहित लाभालाभ ही अमानवीय दृष्टि है। प्रिय एकंद्रिय सुख सापेक्ष क्रिया की प्रिय संज्ञा है। हित शरीर स्वास्थ्य वर्धन एवं पोषण क्रिया की हित संज्ञा है। लाभ श्रम से अधिक द्रव्य पाने की क्रिया को लाभ अथवा लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य आदाय ही लाभ है। दीनता अपने दुख को दूसरों से दूर कराने हेतु जो आश्रय प्रवृत्ति है उसकी दीनता संज्ञा है। दीनता अभावज्य या अक्षमताएं जन्य दो प्रकार की होती है। अभाव उत्पादन से अधिक उपभोग एवं उपयोग की इच्छा ही अभाव है। आलस्य प्रमाद अज्ञान अप्राप्ति प्राकृतिक प्रकोप तथा सामाजिक असहयोग अभाव के कारण है। अक्षमता इच्छा अनुसार बौद्धिक एवं कार्य व्यवहार क्रिया का संपादन न कर पाना ही अक्षमता है। अक्षमता का कारण अजागृति और रोग है। हीनता विश्वासघात ही हीनता है। विश्वासघात जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा है उसे विपरीत आचरण किया जाना ही विश्वासघात है। छल विश्वासघात के अनंतर भी उसका भास या प्रकट न हो ऐसे विश्वासघात की छल संज्ञा है। कपट
विश्वासघात के अनंतर उसके प्रकट या स्पष्ट को हो जाने की स्थिति में विश्वासघात की कपट संज्ञा है। दंभ, आश्वासन देने के पश्चात भी किए गए विश्वासघात की दंभ संज्ञा है। पाखंड, दिखावा पूर्वक किया गए विश्वासघात की पाखंड संज्ञा है। क्रूरता, स्व अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने में जो वैचारिक प्रयुक्ति तथा शोषण कार्य है उसे क्रूरता कहते हैं। अपराध एवं प्रतिकार क्रूरता के दो भेद हैं। अपराध, परधन, परनारी, परपुरुष, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार ही अपराध है। अपराधात्मक क्रूरता हिंसा के रूप में व्यक्त तथा प्रतिकारात्मक क्रूरता प्रतिहिंसा के रूप में व्यक्त है। आगे पढ़ूं या रुक? ये अगला पढ़ लेते हैं फिर रुक जाएंगे। मानवीय स्वभाव विषय एवं दृष्टि को संरक्षण संवर्धन एवं प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्था मानवीय व्यवस्था है। मानवीय स्वभाव, धीरता वीरता और उदारता ही मानवीय स्वभाव है। मानवीय विषय, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा एवं लोकेष्णा मानवीय विषय है। मानवीय दृष्टि, न्यायान्याय धर्माधर्म एवं सत्यासत मानवीय दृष्टि है। न्याय, मानवीयता के संरक्षणात्मक नीति पूर्वक किए जाने वाले व्यवहार व्यवस्था ही न्याय है। थैंक यू। तो ये जो तीन अनुभूतियां हैं, इन तीन में से हमने दो पढ़ी। ये पहली वाली जो है ये मतलब एक्चुअल में इस अनुभूति में लिखा कि तीन तरह से मानव प्रवृत्तियां हैं। अमानवीयता विच इज लाइक सब ह्यूमन या इनह्यूमन, देन मानवीयता मतलब ह्यूमन, एंड अति मानवीयता मतलब मानव से भी आगे वाली बेटर स्टेट। ये तीनों को फिर बारी बारी से बाबा जी ने लिया है। तो पहले वाले में अमानवीयता डिस्कस हुई है, फिर ये अभी हमने मानवीयता वाला पढ़ा, और फिर अगली वाली जो है वो अति मानवीय वाली है, उसको अभी हमने टाइम होगा तो करेंगे, नहीं तो अगली बार कर लेंगे। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बातें होंगी। तो अमानवीय स्वभाव जहां पर जिसको बढ़ावा मिले, अमानवीय विषय, अमानवीय दृष्टि, इनका प्रोटेक्शन होता हो, इनको एनकरेज, संवर्धन मतलब एनकरेजमेंट, संरक्षण मतलब इनको प्रोटेक्शन मिलता हो, प्रोत्साहन भी एक तरह से एनकरेजमेंट ही है। तो इस सब जहां पर होते हो उसको, ऐसी व्यवस्था को अमानवीय या एनिमल लाइक व्यवस्था जो है वैसा कहा गया। पाश्विक मतलब पशुओं की तरह की व्यवस्था या अमानवीय व्यवस्थाएं कह रहे हैं, जहां पर कि अमानवीय स्वभाव विषय और दृष्टि को एनकरेजमेंट मिलता हो, प्रोटेक्शन मिलता हो। अमानवीय स्वभाव क्या है, ये हमने पहले काफी बार बात की है। दीनता, हीनता, क्रूरता हमने पहले अपने भाषा में बात की थी, यहाँ पर जो है बाबा जी उसको अपने में, अब बिल्कुल ये हमारे पास में रेफरेंस पॉइंट आ गया कि यहाँ पर बाबा जी ने अपने शब्दों में इसको डिफाइन एंड डिस्क्राइब किया है कि ये सब क्या है। तो अमानवीय विषय क्या है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो है अमानवीय विषय है। अमानवीय दृष्टि, मुझे एक चीज स्पष्ट करना था, जो निद्रा कहते हैं विषय में, इसको मतलब हम आलस्य के रूप में इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस चीज में, मतलब निद्रा का क्या एक्सप्लेनेशन है? हाँ, तो इसको ना ऐसे देख सकते हैं कि ये शरीर प्रधान वो है, एंगेजमेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो मानव जितना अपने आप को शरीर मानकर जीता है उतना इन चारों से ही सुखी होने की कोशिश करता है। जैसे होता है ना, अरे भैया आराम करेंगे तो आराम करके भी एक सुखी होऊंगा, एक ऐसा वाला फीलिंग जो है वो जो आता है, तो शरीर आराम करेगा और मैं सुखी हो जाऊंगा, ठीक है। तो उस तरीके से इन चारों टेंडेंसीज को जब हम देख रहे हैं, तो अगर मानव अपने आप को इन्हीं चारों के दायरे में जी रहा है तो उसको अमानवीय विषय कह रहे हैं।
इस चीज की तरफ इस तरह से देख सकते हैं। इसी तरह से जैसे अगले वाले से देखें ना तो इससे और रिलेट हो जाएगा। तो प्रिय हित लाभ की जैसे दृष्टियां हैं इनको अमानवीय दृष्टि कह रहे हैं। अभी अभी ऐसा नहीं है कि अब प्रिय कुछ होना ही नहीं चाहिए, प्रिय अप्रिय छोड़ दो, है ना, मतलब वो सब एक ही रंग के कपड़े पहन लो, कपड़े के रंग का कुछ नहीं होता, या लाभ नहीं चाहिए, या शरीर का कुछ ध्यान नहीं रखना है। लेकिन क्या कह रहे हैं, प्रिय हित लाभ में ही जीते रहें, है ना, सही गलत, न्याय धर्म सत्य, अपनी जिम्मेदारियां, इन व्यवस्था समाधान, इस तरफ कोई ध्यान ना हो, वैल्यूज की तरफ, मूल्यों की तरफ, तो इन तीनों में ही अगर कॉन्फाइन करके जी रहे हैं तो वो अमानवीय दृष्टि रह जाती है। इसी तरह से फिर इस लिंकेज में हम अमानवीय विषय को भी देख सकते हैं कि इन चारों में ही कॉन्फाइन होकर सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको अमानवीय विषय कह रहे हैं, ऐसे देख सकते हैं। जी भैया इतना ठीक लग रहा है ना ऐसे तो? जी भैया हाँ ठीक। इसी अब ये प्रिय हित लाभ को क्या कहा यहाँ पर, इंद्रिय ये इंद्रिय सुख बोला तो बाबा जी के जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वो हिंदी में शब्द में जो है ना मतलब ये इंद्रिय शब्द भी है एक, तो इस मतलब इंद्रिय थोड़ा सा और डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस हो जाता है, तो अगर ज्यादा आसान लगता है तो इसको इंद्रिय सुख भी कह सकते हैं ना। तो इंद्रिय सुख के हिसाब से जो प्रिय लग रहा है उस मतलब उसको जो है वो प्रिय वाली कैटेगरी में बाबा जी यहाँ पर कह रहे हैं सेंसरी प्लेयर्स के हिसाब से। फिर हित क्या है, शरीर को हेल्दी रखना, शरीर को बनाए रखना, इन द सेंस के प्रोटेक्टेड भी रखना और ठीक तरह से नरिशमेंट भी देना, इसको हित की दृष्टि कह रहे हैं, है ना। शरीर सापेक्ष दृष्टि, शरीर को रेफरेंस में रखकर जितना भी मैं काम करता हूँ, इवन शरीर को बचाने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए भी कर रहा हूँ, उसको हित की दृष्टि कह रहे हैं। तो जो भैया जो ये हित की दृष्टि है ये मानवीय कैसे होगी, मतलब इसमें भी हम एक्चुअली शरीर स्वास्थ्य और पोषण की ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर, लेकिन उसमें क्या होगा कि शरीर किस लिए है वो भी हमारे ध्यान में आ जाएगा। तो शरीर मेरे समझदार होने के लिए एक साधन है, शरीर स्वस्थ होता है तो मैं समझदार होने का काम आसानी से कर सकता हूँ, मैं सेशंस में बैठ सकता हूँ, मैं शिविर करने के लिए जा सकता हूँ, है ना। तो शरीर के स्वस्थ होने से जागृति की यात्रा में बहुत सहायता रहती है, ये जो है अपने आप में एक ध्यान में जाता है तो शरीर का पर्पस समझ में आता है। नहीं तो शरीर स्वस्थ रहेगा और हम मौज मस्ती ज्यादा कर सकते हैं, खाना पीना जो चाहे वो खा पी सकते हैं, फिर मतलब या मैं सुंदर दिखता हूँ शरीर के माध्यम से, इससे लोगों को इम्प्रेस कर सकता हूँ, है ना। काफी सारे यूथ जो है वो बॉडी बिल्डिंग वगैरह और इसलिए ताकि लोगों को इम्प्रेस कर सकें, ये एक कार्यक्रम बन जाता है। तो शरीर का स्वस्थ रहने के भी पीछे एक दृष्टि है, तो वो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से प्रिय हित लाभ जो है वो प्लेस होता है। नहीं तो प्रिय हित लाभ के अकेले में अगर जब हम लेकर चलते हैं वो अमानवीयता की तरफ लेकर जाता है, ऐसा कह रहे हैं। जी भैया बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, इसी तरह से लाभ क्या हुआ कि जितनी मेहनत की है उससे ज्यादा मिल जाए मेरे को, या कम दे के ज्यादा मिल जाए, लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य आदाय, आदाय मतलब मेरे पास में आ जाए, है ना। आई शुड रिसीव मोर एंड गिव लेस, ये वाली जो अप्रोच है इसको जो है वो लाभ वाली दृष्टि कह रहे हैं। तो अगेन मैं सारे काम बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा में करूं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाओं में ये जो है आदान प्रदान और विनिमय ये होगा ही, लेकिन मैं शोषण करके लाभ कमाऊंगा या कुछ सेवा दूंगा या कुछ उत्पादन दूंगा और उसके बदले में जो है वो मेरी जीविका के लिए जो बनता है वो लूंगा। इन चीजों को जब हम मूल्यों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो लाभ जो है वो प्लेस हो पाता है। ठीक है, तो ये प्रिय हित लाभ जो है इसको यहाँ पर इस तरह से रखा बाबा जी ने।
फिर इसके बाद में दीनता हीनता क्रूरता को भी जो है वो बड़े अच्छे से आया है, बाबा जी के शब्दों में है, इसलिए आप ये याद रखें कि ये वाले जो है ये इधर चैप्टर 4 में आए हैं, तो जब भी कभी जरूरत पड़े ये वाले काफी इंपॉर्टेंट पेजेस है जो भी हमने आज पढ़े हैं, इनको बार बार पढ़ा जाए और कभी भी कोई डाउट रहे और इनको रोजमर्रा की जिंदगी में हम रिफ्लेक्ट भी करते रहे अपने इंसिडेंट्स के साथ में कि जो भी हमारे साथ में हो रहा है, हम कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, वो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हम उसको देख पाते हैं। तो दीनता किसको कह रहे हैं, अपने दुख को दूसरों से दूर कराने हेतु जो आश्रय प्रवृत्ति है, आश्रय प्रवृत्ति मतलब डिपेंडेंसी, तो माय डिपेंडेंसी ऑन अदर्स टू मेक मी हैप्पी, है ना, मेरे दुख दूर हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, और इसके लिए काम दूसरे करें, दूसरा ऐसा करता है तो मैं दुखी होता हूं, तो दूसरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरा ऐसा करता है तो मैं सुखी होता हूं, ये बढ़िया हो गया, तो मेरे सारे के सारे सुखी होने के जितनी डिपेंडेंसी बाहर है उतना मैं परतंत्र हूं। यहाँ पर जो हम स्वतंत्रता और परतंत्रता की बात करते हैं, तो स्वतंत्रता क्या है, सुखी होना मेरे अपने अधिकार में है, परतंत्रता दूसरे ही मेरे को सुखी या दुखी कर, तो ये दीनता जो है ये बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ जो है वो अमानवीयता है कि भैया मैं सुखी होने का मेरे को अपने में कुछ नहीं पता, दूसरे कुछ करते हैं तो मैं सुखी हो जाता हूँ, दूसरे कुछ करते हैं तो मैं दुखी हो जाता हूँ, ऐसी अगर डिपेंडेंसी आती है ऐसा हम देखते हैं तो उसको दीनता कह रहे। ठीक लग रहा है इतना? जी भैया। ठीक है, तो ये दीनता क्यों होती है, इसको कह रहे हैं कि अभाव जन्य, कि मेरे पास में कमी है इसलिए जो है मैं दीन हूं, या अक्षमता, मेरी क्षमता में कमी है, है ना, तो ये दो चीजें जो है ये अपने में नेचुरली लगता ही है कि मतलब कैपेसिटी नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा, या कैपेसिटी है लेकिन एक्चुअल में वस्तुएं नहीं है इसकी वजह से जो है मैं, इन दोनों में से किसी भी प्रकार से दीनता जो है वो आ सकती है, इसको जो है वो कह रहे हैं। और फिर अक्षमता किस तरह से होगी, अक्षमता का कारण अजागृति या रोग है, है ना, तो रोग से अक्षमता हो सकती है, ये तो हम बड़ी आसानी से समझ ही सकते हैं, और अजागृति मतलब अज्ञानवश, तो वो भी एक तरह से अक्षमता ही है कि मुझे सही क्या है वो नहीं पता है, सही से जीना नहीं आ रहा है तो गलतियां कर रहा हूँ, फिर दुखी हो रहा हूँ, इसको जो है अजागृति के कारण मैं सुखी होने में अक्षम हूं, ये जो है तो इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी जो बात हुई थी दीनता हीनता क्रूरता में से, ये चार परिभाषाओं में या चार पॉइंट्स में अभी तक दीनता की बात हुई, अभी हीनता क्या है, विश्वासघात ही हीनता है, तो विश्वासघात को दूसरा जो शब्द हमारे शिविर में कभी कभी हम ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि आसानी से शायद समझ आ जाता है शुरू में, तो उसको चालाकी भी कह सकते हैं, तो भैया मैं अक्षम तो हूं लेकिन अपनी अक्षमता को चालाकी से ओवरकम करने की कोशिश करता हूं, है ना, तो चालाकी करके जो है अब क्या हो गया कि पहले दूसरा मेरे को दुखी या सुखी कर रहा था, अब थोड़ी जिम्मेदारी मैंने ले ली कि दुखी या सुखी मैं आऊंगा, इन द प्रोसेस दूसरा भी शख्स दुखी हो जाए, चालाकी करके दूसरे को दुखी कर दिया जाए, मैं सुखी हो जाऊं, फिर ऐसा कार्यक्रम जो है वो बन जाता है। और इसके अलग अलग शब्द लिखे हैं, फिर विश्वासघात छल कपट, इसको मतलब आपने पढ़ी लिया है, कुछ में कुछ डाउट हो तो बताएं, नहीं तो ये विश्वासघात का जो लिखा था वो कुछ ऐसा लिखा था कि एक्सपेक्टेशन या फिर किसी ने उसके तरीके से नहीं किया, हाँ, तो उसको विश्वास, तो ये थोड़ा सा इस पे थोड़ा रोशनी डालेंगे एक बारी। हाँ, तो ये भैया जिससे ये बिल्कुल ये इसी विश्वासघात को यही वाली डेफिनेशन जो आप बता रहे हैं दूसरे शब्दों में बता रहे हैं, जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा है, अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन है, उसके विपरीत आचरण, मतलब जिसकी जिससे एक्सपेक्टेशन थी उसने वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं की, इसको विश्वासघात कह रहे हैं। जैसे कि हम अपने घर के किसी मरीज को हॉस्पिटल में लेकर गए, है ना, तो हॉस्पिटल में क्या है कि भैया उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर लोग बैठे हैं और ये ठीक तरीके से इलाज करेंगे, अभी डॉक्टर लोगों, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि जब मैं मरीज को हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ कि ठीक तरीके से इलाज करेंगे,
अब वो डॉक्टर ने क्या किया, चालाकी कर दी, अभी तबीयत इतनी खराब नहीं थी, हमें डरा दिया, पेशेंट को भर्ती कर लिया, जबरदस्ती सर्जरी करने के लिए हमको मोटिवेट किया। तो हमारे को डॉक्टर से या हॉस्पिटल से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ऐसा कह सकते हैं ना भैया? जी भैया, मतलब ऐसा अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशन में या फिर उससे तो अपेक्षा तो थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाएगा, शायद आपकी मेरे से अपेक्षा एक डिफरेंट हो सकती है और सुनील भैया की कुछ अलग हो सकती है, तो वहां पे विश्वासघात को कैसे। तो ये बढ़िया हो गया, ये इसका ये मतलब है भैया कि अभी तक जितनी बातें की हैं उनको अभी रीइन्फोर्स करने की और जरूरत है। तो ये विश्वास जो है ना, विश्वास जो हमने 30 मूल्य किए थे, उन 30 मूल्यों में से विश्वास को संबंधों में पहला मूल्य बोला गया था और इसको फाउंडेशन वैल्यू भी बोला गया था, आधार मूल्य, याद आ रहा है भैया? महेश भाई याद आ रहा है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मूल्य है, 30 मूल्य, ये यूनिवर्सल वैल्यूज है, ठीक है? ये हर मानव की, हर मानव से ये अपेक्षाएं है ही। कुछ अपेक्षाएं ऐसी हो सकती हैं जो व्यक्ति टू व्यक्ति चेंज हो सकती हैं, है ना? आप हमारे घर आएंगे तो अब, या मैं आपके घर आऊंगा तो हम एक दूसरे की आवभगत कैसे करेंगे, ये एक दूसरे का एक्सपेक्टेशन अलग अलग हो सकता है ना, कि किस तरह से जिसे कहते हैं कि स्वागत किया जाएगा और जो कुछ होगा। लेकिन लेकिन जो 30 वैल्यूज बाबा जी ने वो लिखी हैं, वो सार्वभौम मानवीय मूल्य है। मतलब उसमें ना हमें किसी को किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें ये चाहिए कि नहीं चाहिए, विश्वास पूर्वक तो जीना ही है भैया। बात की तो भी ठीक है, बात नहीं की तो भी ठीक है, काफी बार तो ऐसा लगता है कि यार इसके बारे में बात क्या कर दी, विश्वास पूर्वक ही तो जीना है। तो विश्वास पूर्वक जीना है, ये सबकी एक दूसरे से अपेक्षा है। तो वो विश्वास पूर्वक नहीं जी पाना, वो बेशक घर में संबंधों में हो या सामाजिकता में, बाहर समाज में जाकर के हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के रूप में दिखता हो, ये इतनी एक्सपेक्टेशन तो सबकी रहती है भैया। तो उस एक्सपेक्टेशन को, जो कि यूनिवर्सल एक्सपेक्टेशन थी, उसको तोड़ देना विश्वासघात है। ठीक है भैया, इतना ठीक लग रहा है ना इस तरह से, है ना? हम जैसे कोई आदमी दुकान खोल कर बैठा हुआ है और वहां से कुछ चीनी बेच रहा है, चाय पत्ती बेच रहा है, दवाइयां बेच रहा है, और हम लोग उससे जो हमारे को दवाई वगैरह चाहिए या कुछ खाने पीने की चीज चाहिए तो हम पैसे देते हैं और वो हमको देता है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहती ही है कि भैया असली माल देगा, असली दवाई देगा, इतनी रहती है एक्सपेक्टेशन के नहीं रहती। तो मतलब ये गिवन चीज है और इसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल, इवन घर में, घरों में भी, संबंधों में भी जीना जो है वो भी विश्वास पूर्वक ही जीना बनता है। जहां जहां पर भी हमें भैया घरों में समस्याएं दिखती हैं, वहां पर बेसिकली ये जो विश्वास और सम्मान जो है, ये बेसिक मूल्य है, इन मूल्यों का ठीक तरह से निर्वाह नहीं हो पाता, इसीलिए संबंध की गाड़ी जो है वो ठीक से नहीं चल पाती। मैं इसको बच्चों की अपब्रिंगिंग से बड़े अच्छे से देख पाता हूँ, कई हमारे आसपास इस तरह के प्रैक्टिकल केसेस हुए, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि जवान बच्चों की जब शादियां हुई तो शादी के बाद में फिर ओल्डर जनरेशन के साथ में मन मुटाव हो जाता है और जो है वो एक दूसरे से संबंध कई बारी खराब हो जाता है। तो अभी लगता है कि भैया ये तो बातें ठीक नहीं हो रही, ओल्डर जनरेशन जो है वो यंगर जनरेशन को रिस्पॉन्सिबल ठहराती है, यंगर जनरेशन ओल्डर जनरेशन को रिस्पॉन्सिबल ठहराती है, और ये बीच में पता नहीं चलता कि एक्चुअल में ब्लेम किसको किया जाए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आप में से काफी सारे लोग जो है, जो यंग पेरेंट्स है और ये इस सारे कॉन्टेंट को अपनी जिम्मेदारी के भाव के साथ में इस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की बड़े होने तक उनकी एक एडल्ट लाइफ के ठीक तरीके से जीने के लिए एक पेरेंट की जो जिम्मेदारी होती है उसको आप निभा पाओ, तो इस चीज की स्वीकृति हो जाना जो है यही विश्वास का निर्वाह है। एक्चुअल में
एक यंग कपल के यहाँ अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जो है, बच्चा तो पूरी तरह से माँ बाप पे डिपेंडेंट है अगले 20 साल तक, 15 साल तक, जितना भी समय ले लिया जाए, है ना, कि मम्मी पापा मेरे को जैसा मेरे लिए ठीक है वैसा ही मेरा पोषण करेंगे, शरीर रूप में भी मेरा पोषण वैसा ही करेंगे और समझ के ज्ञान के रूप में भी मेरा पोषण वैसा ही करेंगे। ऐसा बच्चा अपने मम्मी पापा के हवाले अपने को कर देता है। अब मम्मी पापा की समझ में कमी है और उन्होंने शरीर की तरफ, सुविधा की तरफ तो ध्यान दिया, लेकिन संस्कार पक्ष, ज्ञान पक्ष, समझ वाले पक्ष, आचरण पक्ष, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स ने अपने बच्चों के प्रति अपने विश्वास को ठीक तरह से नहीं निर्वाह किया। एक पेरेंट्स की मूलभूत जिम्मेदारी है कि बच्चे को जन्म देते समय बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे करनी है, उसका शरीर के साथ साथ विचार पक्ष का भी, समझ पक्ष का भी ध्यान रखना है। अगर ये पेरेंट्स को समझ नहीं है तो वो विश्वास मूल्य का निर्वाह नहीं। तो बच्चे को बड़े होते होते ठीक तरीके से जीना नहीं आया और फिर हम बच्चे को रिस्पॉन्सिबल ठहराए, ये भी डिबेट का मुद्दा है। मेरे को काफी बार ये लगता है कि अपब्रिंगिंग में काफी सारी चीजों को जो अगर हम ठीक तरीके से ध्यान रखें पेरेंटिंग के समय में, तो हम अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभा पाएंगे और वो भी काफी एक सुखद सी उपलब्धि रहती है। बढ़िया भैया, तो बच्चा हमारा है तो बच्चे के, बच्चे को हम, हमें मालूम है कि बच्चे को कैसे बड़ा करना है और हम उस विश्वास के साथ बच्चे को बड़ा करें, तो कोई कारण नहीं है कि बच्चा बाद में जो है वो ठीक तरीके से हमारे साथ में संबंध का निर्वाह ना करे। बच्चा संबंध का निर्वाह तभी प्रतिफल के रूप में हमें नहीं ठीक तरीके से कर पाता हमारे साथ में, जब हमने ही अपनी जिम्मेदारी एज पेरेंट्स जो है वो ठीक तरीके से ना ले। तो ये विश्वासघात हो गया जो आपने परिभाषा के रूप में पूछा था। फिर ये छल कपट जो है, ये इसको पढ़ लीजिए आपने आप, ये दम, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अमानवीयता वाले स्वभावों में बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है या मानवीयता वाले स्वभाव ज्यादा समझे जाए, ये देखे जाए तो मानवीयता वालों को ज्यादा समझ लेंगे। इसको लिखा हुआ है, पढ़ के आप देख लीजिए, कुछ प्रश्न होंगे तो उनको देख सकते हैं बाद में। तो दीनता और हीनता हो गया, अभी आ गया क्रूरता। तो क्रूरता बेसिकली क्या हुआ, स्व अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने में जो वैचारिक काम है और वैचारिक के बाद में जरूरत पड़े तो कर भी दिया, उस सारे को क्रूरता कह रहे हैं। ठीक है, तो क्रूरता को भी दो भेद में रख दिया, एक हो गया अपराध और एक हो गया प्रतिकार। प्रतिकार मतलब किसी ने एंड मैंने भी उसके साथ में फिर किसी भी कारण से अपने को बचाते हुए या सेल्फ डिफेंस में या जो भी है उसको किया, तो वो प्रतिकार के रूप में आ गया। मतलब हिंसा और प्रतिहिंसा ऐसे देख सकते हैं। तो अपराध क्या है, अपराध जो है वो सामाजिक स्तर पर बाबा जी ने पहचाना कि ऐसा इशारा किया है, ऐसा लिखा है, पर धन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार जो है इसको अपराध कह रहे हैं। और जो अपराधात्मक क्रूरता जो है वो हिंसा के रूप में, और प्रतिकारात्मक क्रूरता जो है वो प्रतिहिंसा के रूप में जो है वो प्रकट होती है, व्यक्त होती है, ऐसा लिखा है। ठीक लग रहा है इतना? बिल्कुल। जैसे बाबा जी डिफाइन करते हैं चीजों को वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, मतलब कैसे वो पिन पॉइंट कर देते हैं, मतलब जैसे मानवीय भी चीजें हैं इनमें कैसे उन्होंने पकड़ा है, क्या चीज मिसिंग है, तो आप ऐसे हो, तो काफी बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब पढ़ना। बिल्कुल इवन जो इतनी डीप जाके जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो भी करानी है। जी नमस्ते भैया, मैं अपने पुस्तक में देख रही थी कि प्रतिकार को किस तरह से हमने पहले समझा भी था, तो वो उसमें एक जगह मैंने अपने नोट्स में है कि प्रतिकार को जैसे अपराध एवं प्रतिकार, तो प्रतिकार जो है उसको सुधार के लिए किया, के लिए किया गया कर्म भी है। तो उसका मतलब आप कह रहे हैं कि अगर जेल वगैरह किसी को
पनिशमेंट उस तरह से दी जाती है, तो उसको भी प्रतिकारमक क्रूरता के श्रेणी में गिना जाता है. पनिशमेंट के लिए जेल की सजा दे दी या कैपिटल पनिशमेंट का जो है वो सब उसी श्रेणी में गिन रही है. हाँ हाँ, कैपिटल पनिशमेंट तो क्लियरली प्रतिकार के उसमें आएगा. हाँ बिल्कुल, ये लिखा ना दीदी यहाँ पर विनिता दीदी, ये जो लिखा भी है प्रतिकारात्मक क्रूरता प्रतिहिंसा के रूप में व्यक्त है ना, प्रतिहिंसा. हाँ रिवेंज बोले या इन रिस्पॉन्स टू वायलेंस. एक होता है मैं वायलेंस इनिशिएट करता हूँ, एक दूसरी स्थिति बनती है कि वायलेंस इनिशिएट दूसरा कर रहा है ना. जैसे सपोज कीजिए कि हम पीसफुली रह रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश हम पे हमला कर दें, तो अभी अभी क्या करेंगे, अब हमें भी आर्मी रखनी पड़ती है और फिर हमें भी युद्ध करना पड़ेगा, हमें भी वो सब कुछ जो है वो, तो वो वाला जो पार्ट है अब इवेंचुअली जो है वो उसको प्रतिकारात्मक क्रूरता कह रहे हैं. इसको ना मैं पर्सनली इस तरह से इंटरप्रेट करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमें इमीडिएटली हमारे ध्यान में आया तो अब हम प्रतिकारात्मक क्रूरता जो है इसको हम गलत मान ले और इसको भी छोड़े कि भैया अब दूसरा बेशक हम पे हमला करता रहे, हम तो जो है वो बिल्कुल अहिंसावादी हो गए हैं और हम तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा भी शायद नहीं कह रहे हैं. तो कह ये रहे कि देखिए अपने को बचाने के लिए जो कार्यक्रम है उसको भी कर लिया जाए, लेकिन इवेंचुअली प्रयोजन के रूप में ये ध्यान में रखा जाए कि इवेंचुअली सभी लोग शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं. ठीक है, तो आज अपने बचाने के लिए हमें आर्मी रखने की जरूरत है, आज रख ली जाए, लेकिन क्या किया जाए कि 50 साल के बाद में, 100 साल के बाद में, 500 साल के बाद में आर्मी के बिना भी काम चल पाए. इस तरफ जो है वो ध्यान जाएगा और इस तरफ जो कार्यक्रम बनेंगे तो वो फिर हमारे को जो है ना वो ये दोनों तरह की क्रूरता, जो अपराधात्मक क्रूरता और प्रतिकारात्मक क्रूरता, इनसे मुक्ति उस समय मिलेगी. ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि सवा चार भी होने वाले हैं, तो ये वाली जो है इसको अनुभूति को, क्योंकि आई डोंट वांट टू कवर इट इन ए रश, मतलब हम जल्दी जल्दी में कवर कर दें, तो मानवीयता वाली बात है, थोड़ा रिलैक्स में आराम से समय लगाकर करेंगे, अगली बार कर लेंगे इसको. कुछ पॉइंट्स हो, एक आध प्रश्न हो कोई, और तो भी दो चार मिनट लगा सकते हैं, नहीं तो रैप अप करते हैं आज का. ठीक है, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट सैटरडे. तो ये पेज 19 से ये बीच वाली अनुभूति से शुरू करेंगे. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू भैया, थैंक यू. नमस्ते.